ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ओके सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक आईकोड ग्रुप का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सो आई ग्रुप का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आई ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हाँ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं सो आई ग्रुप का मिशन क्या है तो हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना और हाई टेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है अपने इंट्रोड्यूस अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाना और इंटरनेशनल लेवल पे मेंटर्स के साथ मीटअप करवाना वेबिनार्स और हैकाथॉन्स की शक्ल में सो so, हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं आई ग्रुप पे दिन में दस सेशन रन किए जाते हैं जिसमें एक वीकली वेबिनार होता है और दो वीकली वर्कशॉप होती हैं वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे अभी मौजूद हैं इसके अलावा लीड कोट के सेशन रन किए जाते हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर क्रैकिंग दी इंटरव्यूज फेंग कंपनीज इंटरव्यू और फ्री आर्ट्स और जी आर के कोर्सेज़ रन किए जाते हैं प्रोग्रामिंग फॉर सी एस और नॉन सी एस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स पाइथन फॉर अपूट बिगनर के कोर्सेज़ बैक टू बैक रन किए जाते हैं मशीन लर्निंग ए आई डीप लर्निंग जैसे एडवांस कोर्सेज भी आई कोट पर रन किए जा रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो इनहेंस हो सकें डेटा स्ट्रक्चर एंड गोवर्डम के कोर्सेज जो कि लीड कोड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको हम बेसिक से लेके चलते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें ताकि हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें इसके अलावा जो सारे सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग जो है फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे मौजूद होती है इनकेस अगर हमारा कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है सो हम वहाँ से वॉच कर सकते हैं सो so, अब बात करते हैं आई कोड की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में सो so, यहाँ पे ये जो आई कोड के अचीवमेंट्स हैं ये कुछ मेन मेन सी अचीवमेंट्स हैं सो so, हम इन्हें देखते हैं फोर थाउजेंड और सॉरी फोर हंड्रेड प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन जो कि आई कोर्ट ने विन किए हैं फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन जो है हमारे स्टूडेंट्स ने सिक्योर किए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली यू एस ए ग्रुप हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने में अपने स्टूडेंट्स की क्योंकि जो जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को जिन स्किल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे हमारा रेज्यूमर और सी शाइन करता है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड आउट होते हैं तो ये इजीली होता है ताकि हम अपने लोकल और इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप्स हैं और जॉब्स हैं उन्हें क्रैप कर सकें हॉवर्ड का एक बड़ा ही इवेंट होता है पॉपुलर इवेंट है सी एस फिफ्टी एक्स पजल डे जिसमें नाइन पजल्स होते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हमारी जो टीम थी वो हाइस्ट अमंग ऑल ऑफ द टीम थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अभी भी हॉवर्ड का जो कॉम्पिटिशन है ये जो पज़ल डे इवेंट है ये ऑर्गेनाइज uh, किया गया है इस पर हाईकोर्ट ने पाँच वर्कशॉप जो है वो हैं वो रन करवाई हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स को बताया है कि हमने किस तरह से एप्लीकेशन को फिल आउट करना है और पज़ल्स को किस तरह से किस लॉजिक के साथ सॉल्व करना है सो so, इसकी जो डेड है वो एट अप्रैल है आई कोड के जो ये पाँच वर्कशॉप्स की सीरीज़ हैं ये यूट्यूब और ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अवेलेबल है तो जिन स्टूडेंट्स ने वो मिस कर दिया तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं इसके अलावा आई कोड पर मंथ अपने स्टूडेंट्स के लिए दो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है और इस्टनफर्ड uh, का एक इवेंट है कोड इन प्लेस विच इज़ वेरी प्रडिजियस और पिछले साल 2023 में हमारे दस मैंटर सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर द पाकिस्तान ग्यारह मैंटर सिलेक्ट हुए थे जिसमें से दस जो है हमारे आई कोर्ट के मोडोरेटर्स और मेंटर्स थे 2024 ट्वेंटी फोर का कोडिंग प्लेस जो है उसकी भी डेडलाइन लाइन आई हुई है विच इज सेवेंथ अप्रैल है और इस पर भी आई कोर्ट ने पांच वर्कशॉप्स अरेंज की थी जिसमें हमने एप्लीकेशन uh, का सारा प्रोसीजर बताया है साथ में बताया कि वीडियो डेमो uh, किस तरह से आपने रिकॉर्ड करना है क्वेश्चन प्रॉब्लम क्वेश्चन को किस तरह सॉर्ट आउट करना है ये सारी चीज़ें सो so, अगर जिन पार्टिसिपेंट्स की जो वर्कशॉप है मिस हो गई तो वो वॉच कर सकते हैं इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू में और वीडियो रिव्यू में तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सिलेक्ट पे इससे रिगार्डिंग पूछ सकता है सो so, इसकी डेडलाइन है सेवेंथ अप्रैल अब बात करते हैं गूगल कोड जैम ट्वेंटी की जो कि हर साल गूगल का ये कॉम्पिटिशन जो इवेंट है ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बड़ी बहुत कम पाकिस्तानी जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में थ्री ज़ीरो वन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ये बहुत ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ और हाई लाइटिंग न्यूज़ थी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की आई कोर्ट ग्रुप के प्लेटफॉर्म से थ्री ज़ीरो वन स्टूडेंट्स ने गूगल कोर्ट जैम में परफॉर्मेंस uh, अच्छा दिया और पार्टिसिपेट किया जो हमारे तीन इंटर्न्स हैं उन्होंने इंटर्नशिप की इतिहाद एविएशन ग्रुप में अबू धाबी में इंटरनेशनल हैकाथॉन्स विन करने के नतीजे में सो so, ये कुछ मेन मेन सी अचीवमेंट्स है आई कुड की जो मैंने यहाँ पे बताई सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार और आई कुड पे रजिस्टर करने के लिए लिंक अवेलेबल है मैसेज चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ और आप आई कुड के फेसबुक पेज को भी रीच आउट और विजिट कर सकते हैं सो so, आज का जो वेबिनार है उसका टाइटल है सिग्नल एंड पावर इंटीग्रिटी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो हमारे स्पीकर हैं सर रियाज नसीर हैं सो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रियस एंड योर योर वेल्युबल टाइम सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सर ने अपना जो एम एस सी और पी एच डी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और uh, इसके अलावा अगर मैं सर के वर्क एक्सपीरियंस से बात करूं जो कि माशाल्लाह ट्वेंटी प्लस इयर्स है जो कि सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबिनार में सो so, सर के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पी एच डी देन ही जर्नी एट इंटर्ट एज एनालॉग इंजीनियर आफ्टर दैट ही जॉइंट रॉक ऑटोमेशन एज प्रोजेक्ट इंजीनियर हार्डवेयर और 2019 में सर ने ज्वाइन किया सीना एज अ सीनियर स्टाफ सिग्नल इंटीग्रिटी इंजीनियर उसके अलावा ही आसो देन ही अगेन ज्वाइंट इंटेल कॉरपोरेशन एज स्टाफ सिग्नल इंटीग्रिटी इंजीनियर और सर अभी जो करंटली काम कर रहे हैं ही इज़ वर्किंग एमज़ोन वेब सर्विस एज सीनियर सिग्नल इंटीग्रिटी इंजीनियर सो मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने इस वेबिनार में सो सर वी आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यू और uh, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया सो so, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से ऑफ करती हूँ so, सर हम अपना आज का वेबिनार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर थैंक यू मुस्कान फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मेरी जो बात है आज की मेरा ख्याल है आप लोगों के जो रेगुलर सेमिनार होते हैं उससे थोड़ी सी फ़र्क है कि मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो भी ये वक्त दिया है इस चीज़ के लिए कि आप मेरी बातचीत से महजूज़ हों कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आपको आ, अट्रैक्ट करे कि आप उसे अपने फ्यूचर की एंडवर्स के लिए कहीं ना कहीं पे यूज़ कर सकें तो आ, मुद्दा के किन चीजों पे हमने आज बात करनी है पहले तो थैंक यू फॉर मुस्कान फॉर माय इंट्रोडक्शन लेकिन मेरा ख्याल है मैं अपना तारुफ दोबारा खुद से कराऊंगा ताकि आपको हो सकता है उससे भी कोई मोटिवेशन मिल जाए दूसरा ये कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मेन मेरे जॉब का जो फोकस है वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और हमारा जो ये प्लेटफार्म है आई कोड गुरु आई नो के ये मोस्टली कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग के हवाले से है तो मुझे उसके साथ भी इसको किसी, किसी ना किसी तरह से लिंक करना है तो आई आई विल ट्राई माय बेस्ट कि भाई किसी ना किसी तरीके से आप इसको uh, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हार्ड फील्ड है उसको सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियरिंग के साथ जो है वो रिलेट कर सकें और जो आखिरी पॉइंट होगा वो यही कि हम सवाल जवाब के लिए एनफ टाइम छोड़ें कि अगर आप लोगों के जहन में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है कोई ना कोई चीज जो मेरी बात से समझ नहीं आई है उसके लिए एनफ टाइम मिल जाए और इट्स वेलकम के भी अगर आपने सवाल दरमियान में भी करने आए तो तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैं एक स्मॉल टाउन है उसका नाम है अहमदपुर लम्मा वहां पे पला बड़ा हूं अहमदपुर लम्मा तहसील साद का, का एक टाउन है और तहसील साद ज़िला यार खान की एक तहसील है और रहीम यार खान पंजाब का अगर आप कराची की तरफ जाएं तो लास्ट जिला है मेरे घर के अहमदपुरह से कराची तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है और लाहौर 640 किलोमीटर तो इक्वी डिस्टेंस लेकिन वो सारे का सारा मैं वहीं पे पढ़ा एलिमेंट्री मिडिल और हाई स्कूल सारा एक ही स्कूल था गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर उसके बाद मैंने एफ़ एस सी की ख्वाजा फ़रीद कॉलेज यार खान से और बी एस सी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्राम यू टी लाहौर तो ये भी जस्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ मेरे वाले साहब भी स्कूल टीचर थे उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ाऊँ और ज़ाहिर मेरे भाई भी वहीं से पढ़े हैं लेकिन उस ज़माने में भी मेरा ख़्याल है स्कूल की इंतज़ामिया में इंटेग्रिटी के ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि किसी भी टीच कोई भी टीचर जो है उस क्लास को नहीं पढ़ाएगा जिसमें उसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो इंटेग्रिटी का जो स्टोरी है वो वहीं से शुरू होती है यू uh, के बाद मैंने यू से यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से मास्टर और पी की है और फिर जैसे मुस्कान ने बताया मुख्तफ जगहों में मैंने जॉब किए हैं मोस्टली मेरी जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन हार्डवेयर इंजीनियरिंग एंड एंड मोर फोकस ऑन सिग्नल एंड पावर एंड टैग्रिटी ठीक है तो पावर एंड टैग्रिटी से हम बात को शुरू करते हैं सब लोग ये प्रजेंटेशन सुन रहे हैं आप तक मेरी तस्वीर भी पहुँच रही है मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है या तो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या आपके पास फ़ोन है जिसके ऊपर ये आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ पर चल रही हैं ये पावर से चल रही हैं इन्हें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली चाहिए और ये बिजली आपके घर तक कैसे आई है ये बनती कहाँ पे है मतलब या तो तरबेला में बन रही है या मंगला में बन रही है या चश्मा में बन रही है कोटद्दू में बन रही है या अगर किसी को और सोलर सोलर फैनल से शगफ है तो लाल सुहानरा वहाँ पे पार्क कोई सोलर पार्क लगा है, लेकिन जहाँ से बिजली पैदा होती है और आपके घर तक पहुँचने के लिए ये किन मराहल से गुजरती है अगर आपने शहर के रहने वाले हैं तो शायद आपने बड़े खंबे ना देखे हों लेकिन अगर बाहर ट्रैवल करें तो हमें बहुत बड़े बड़े खंबे नज़र आते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े तार जा रहे होते हैं तो जबकि हमारे अपने नेबरहुड के अंदर जब आती है तो वो सी तार है सी खम्बे हैं जो हम हर जगह पे देखते हैं लेकिन उस सारे चीज का सिस्टम क्या है कि जहां पे आप बिजली पैदा जन करते हैं वो एक पावर जनरेट होती है आपने घर में कंज्यूम करनी है चाहे आपका लैपटॉप कंज्यूम कर रहा है या स्त्री कंज्यूम कर रही है या किसी घर में माइक्रोवेव ओवन है तो उस वो पावर कंज्यूम कर रहा है राइट right? लेकिन जो पावर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन है तो पावर के ये दो कंपोनेंट हैं और ये स्टोरी कैसे शुरू होती है कि जहाँ पे बिजली जनरेट होती है जब हमें उसे दूर तक पहुँचाना होता है तो रास्ते के लिए हम जो भी मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि केबल हैं कापर की केबल हैं या मेटल की केबल हैं या किसी भी एलूमिनियम की केबल हैं वो उस पावर को लेके जा रही हैं लेकिन वो पावर जो है वो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में है जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे स्त्री है या माइक्रोवेव है या लाइट बल्ब है या पंखा है या एसी है वो पाकिस्तान में 220 वोल्ट पे चल रहे हैं और पावर के लिए मतलब अब लेट्स से उस 220 वोल्ट को हम 200 कह लेते हैं और अगर कोई हजार वाट की चीज़ है जैसे स्त्री अगर हजार वाट की है तो दो सौ होगा इसका मतलब मुझे पाँच एम्पेयर का करंट चाहिए तो जब ये पांच एम्पेयर का करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो चाहे वो कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती कापर बहुत अच्छा कंडक्टर है या अलूमिनियम अच्छा कंडक्टर है लेकिन कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस है तो जब वो पांच एम्पेयर करंट उसमें से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ उधर पावर जो है वो लूज़ हो जाएगी जिसको हम आमतौर पर लाइन लॉसेस कहते हैं तो ये बड़े खम्भे हम किसी लगाते हैं कि जहां पे पावर जनरेट होती है उसको आप पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं उस वोल्टेज को वेरी हाई वोल्टेज लाइन में थाउजेंड वोल्ट और थाउजेंड किलो वोल्ट ट्वेल्व थाउजेंड किलो वोल्ट ताकि जब आपने अगर वही पाँच एम्पियर करंट लेना था पावर आपकी हजार वाट की स्त्री थी तो दो वोल्ट पे वो चल रही थी पाँच एम्पियर चाहिए था लेकिन अगर मैंने वोल्टेज उसकी उठा के बारह कर दी दो से तो करंट कितना रह जाएगा सेम पावर को ट्रांसफर करने के लिए मेरा करंट की मकदार बहुत कम हो गई जिसकी वजह से वो जो लाइन के अंदर मेरा लॉस होना था वो बड़ा कम हो जाएगा तो वो सारा हमने जो ये ट्रांसफार्मेशन का नेटवर्क बिछाया वो इसलिए बिछाया ताकि हम अपने लाइन लॉसेस को जो है वो कम कर सके जब घर के करीब लाते हैं तो फिर वहां पे एक फीडर स्टेशन लग जाता है जो ट्वेल्व थाउजेंड किलो वोट से चार सौ चालीस वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा फिर आपके अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले के पास कहीं पे ट्रांसफार्मर लगा होगा जो उस चार को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा तो ये इंटेग्रिटी वहाँ से शुरू हुई कि लाइन लासेस वहाँ पे रिड्यूस किए ये तो था बहुत बेसिक यानी कि जहाँ पे कोई स्पीड की बात नहीं हो रही बड़ा स्लो किस्म का सिग्नल है जब आप अपने लैपटॉप को वही 220 देते हैं तो आपके जो लैपटॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है वो 220 सौ बीस वोल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती राइट जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन हुई है वो बड़ी छोटी वोल्टेज पे चलती है तो इसलिए आप हमेशा आपने देखा होगा कि आप एक अडाप्टर इस्तेमाल करते हैं तो आप अडाप्टर की एक साइड जो है वो अपने वाल प्लग में लगा देते हैं जो 220 सौ बीस वोल्ट ले रहा है जो दूसरी साइड है वो चाह कल तो यू एस बी सी टाइप कनेक्टर आ रहे हैं या पहले जो थे वो राउंड कनेक्टर होते थे तो वो या तो बारह वोल्ट भेजेंगे उसको दो सौ बीस को बारह वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे या पाँच वोल्ट में या थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट में जो कि यू एस बी टाइप कनेक्टर है तो उससे आपके वो लैपटॉप के सिस्टम में चली जाएगी जो अगर आप डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के अंदर पावर सप्लाई अंदर लगी होती है क्योंकि उसका बॉक्स बड़ा होता है तो आप उसको डायरेक्ट 220 से लगाते हैं लेकिन उसके अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो उस 220 सौ वोल्ट को पाँच वोल्ट में थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट में इस तरह से कन्वर्ट कर देगा तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें अब अगर आप इंटेल की लेटेस्ट चिप लेंगे जो कि लैपटॉप में इस्तेमाल हो रही है डेस्कटॉप में इस्तेमाल हो रही है या अगर आप डेटा सेंटर में चले जाएं, जहाँ पे सर्वर हैं, या मैं बेसिकली स्पेसिफिकली एक स्विच पे काम कर रहा हूं तो उसमें एक ही चिप के लिए चाहे वो माइक्रोप्रोसेसर की चिप है या स्विच की चिप है उस एक चिप के लिए मल्टीपल पावर डोमेन चाहिए होती हैं वो पांच वोल्ट भी ले रही होगी थ्री वोल्ट भी ले रही होगी टू वोल्ट भी ले रही होगी 1.8, 1.2, 0.8, आजकल के जमाने में एडवांस चिप जो है वो इवन 0.45 वोल्ट भी ले रही होंगी तो ये जो इतनी सारी सप्लाई हमने बनानी है जबकि आपके पास सोर्स एक आ रहा है तो इससे आप क्या करते हैं कि इसको कहते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर तो आपके पास एक एक सप्लाई रेल से दूसरी सप्लाई रेल में कन्वर्ट करने, करने का मैकेनिज्म है और आपने इवेंचुअली उस पावर को पहुंचाना है अपने सोर्स के पास डेस्टिनेशन uh, के पास जिसने इसे इस्तेमाल करना है तो इस सारे नेटवर्क के अंदर आपने अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपने ड्रॉप को कम करना है आप इस इस ये सारा जो नेटवर्क है या इसका एनालिसिस है दैट इज कॉल्ड पावर इंटेग्रिटी तो मतलब ब्रीफ आइडिया यही है कि आपने सोर्स से लेकर कंज्यूमर तक आपने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है आप इस तरीके से पहुंचाएं कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए आप चाहते हैं आप कंप्यूटेशन करना चाहते हैं आप कोई वीडियो प्ले करना चाह रहे हैं या आप डेटा को इधर से उधर मूव करना चाह रहे हैं चाहे आप पीपीटी की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या वर्ड लिख रहे हैं तो आप आप इस सारे दरमियान का जो इंटरनेटवर्क है इसमें आप उसके लॉसेस को कम करें उसके ड्राप को कम करें हाँ इसमें एक ये भी हो रहा है एक तो पावर लॉस हो रहा है दूसरा ये भी हो रहा है कि अगर मैंने पांच वोल्ट स्टार्ट किया अडाफ्टर के बाद से और जब तक मेरी चिप तक पहुंचा, तो वो हो सकता है कि फोर वोल्ट रह गया तो अगर मैंने चिप डिज़ाइन की हुई थी जिसने के परफॉर्मेंस किसी एक स्पीड पे चलना था लेकिन वो उसके लिए जम्पन थी कि पांच वोल्ट उसे मिले तो वो इतनी तेज चलेगी अब अगर उसे चार इशार पांच वोल्ट मिलेंगे तो वो चीज़ स्लो चलेगी तो ये भी उसका एक्स्पेक्ट है एक है लाइन लासेज या हीट या उसको मैनेज करना और दूसरा ये है कि आपके अपने डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है और उसकी मिसाल ऐसे है कि स्पेशली गाँव में तो चूंकि हर घर हर घर में ए नहीं होते और नेटवर्क भी बड़ा पुअर डिजाइन होता है आप टीवी बैठे देख रहे हैं या लाइट बल्ब जला हुआ है और आपके हमसाए ने ए सी ऑन किया तो एकदम से आप देखते हैं कि आपका बल्ब जो है वो एक झपाका सा लेता है तो क्या होता है कि लोड एकदम से ज्यादा ड्रा हुआ और आपका नेटवर्क जो था वो इंस्टेंटेनियस डिमांड जो था वो मीट करने के काबिल नहीं था तो इसलिए वो ड्राप इंस्टेंटेनियस ज्यादा हुआ लेकिन जब वो लोड स्टेबल हो गया तो दोबारा वापस उसी लेवल पे आ जाता है तो वो चीज भी जब आप उसे मॉडर्न माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपकी चिप काम कर रही है या डेटा ट्रांसमिशन काम कर रही है तो वो जो ग्लिच है वो काफ़ी सारी आपकी बिट्स को क्रप्स कर सकती है जो ये इंफॉर्मेशन जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज इस माइक्रोफोन से कन्वर्ट होके डिजिटल बिट्स बन रहे हैं जीरो वन और फिर ये ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ से अमेरिका से लेकर आप पाकिस्तान में बैठे सुन रहे हैं विदाउट मच लैग ठीक है, है ना तो लेकिन इस सारे में ये पावर इंटेग्रिटी लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये पावर इंटेग्रिटी नेटवर्क अच्छा नहीं डिजाइन हुआ हुआ तो हो सकता है मेरे लैपटॉप से ही डेटा आगे अच्छे न जाए आपको मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई ना दे जब आप डेटा मूव कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन है जैसे आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर लोग हैं आप प्रोग्राम लिख सकते हैं आप कह सकते हैं यार ये फ्रेम कोई अच्छा नहीं आया इसमें हमने एरर लगा दी थी दोबारा ट्रांसमिट कर दें लेकिन जो रियल टाइम की एप्लीकेशन है उसके अंदर फिर जाएगा आएगा आवाज़ सही नहीं आएगी कट कट के आएगी तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो परफॉर्मेंस डिग्रेड एप्लीकेशन में लेकिन अगर आप इसको ले जाएं कि ये एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन नहीं है और ये इजी जैसे हम कर रहे हैं बात नहीं आपको समझ आएगी आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे हाथ रेज करके मुझे कह देंगे कि दोबारा से रिपीट कर दें इसके बदले में अगर आप सोचें इसे कि फैक्ट्री का एनवायरनमेंट है राइट right? या अटानोमस कार है जो ड्राइव कर रहा है जिसे कहना है आपने इंफॉर्मेशन लॉन्च की के भी ब्रेक लगा दो उसकी बजाय उसे वो पहुंच जाए कि एक्सलेटर दबा दो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम बनता है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ जो है वो पावर इंटेग्रिटी है इसको एनफ तो नहीं मिली क्योंकि पावर इंटेग्रिटी जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कोई इतना बड़ा काम नहीं था राइट बड़ा मुश्किल से आपने सिंपल किया कि वोल्टेज को स्केल अप कर लिया ताकि आपके लॉस कम से कम हो जाए तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं थी उसको मैनेज करने के लिए लेकिन अभी ये हो गया है कि हमारे जो ये छोटे छोटे सिस्टम हैं स्पेशली जो डेटा सेंटर है जिसके अंदर सर्वर की लाइन लगी हुई है स्विचेस की लाइन लगी हुई है वो उन्हें कहा जाता है पिज्जा बाक्स पिज्जा बॉक्स स्विचेस राइट उसमें क्या है कि जो अगर कभी आपने कोई इमेजिन करें आई एम नॉट शोइंग यू एनी पिक्चर के जो रैक होते हैं डेटा सेंटर में वो फ्रिज की तरह के होते हैं दो फुट चौड़े आठ फुट ऊंचे और उसमें आपने जो सिस्टम लगाने हैं वो स्लाइड इन हो जाते हैं पिज्जा बॉक्स की तरह के मतलब दो इंच के करीब का उसकी हाइट है वन आर यू और वो आप प्लग इन करते हैं लेकिन वो एक एक सिस्टम अगर थ्री थाउजेंड वाट ले रहा है जो कि आपकी स्त्री की पावर से भी कहीं ज्यादा है और आप सोचें कि वो इतने सारे लाइन में आपने पैक किए हुए हैं और फिर वो सारे के सारे रैक के इतना लंबा लाइन लगी हुई है कि वहाँ पे कितनी हीट जनरेट होगी और उसको कूल करना और ये सारा कुछ के भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डीग्रेड ना हो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो फंडामेंटल प्रिंसिपल उसके यही है सिर्फ एक चीज जो मैंने बताई थी रजिस्टर जो कि फिजिकल फिनमिना है कंडक्टर का और दूसरा जो मैंने बताया था ग्लिच का के जब किसी ने इंस्टेंटेनियस लोड ऑन किया तो वो एक दम से ड्रॉप हुआ उसमें उस रेजिस्टेंस उस की बजाय एक दूसरा फिनमिना है फंडामेंटल वो उसे हम कहते हैं इंडक्टर या के मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एनर्जी स्टोर होती है या वो सडन चेंज को जो है वो स्टॉप uh, करता है या स्लो डाउन करता है जिसकी वजह से हम ये ये ही सेम फिनामिना लेके आपने जितने भी सर्किट बोर्ड बनते हैं चाहे वो सर्वर के बन रहे हैं चाहे वो स्विचेस के बन रहे हैं चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर है इन ऑल दीज व्हीकल्स और चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर हैं फैक्ट्री एनवायरनमेंट में या किसी और जगह पे सारी जगह पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप इसको लेके जाते हैं है, थोड़ा सिग्नल इंटेग्रिटी की तरफ तो सिग्नल इंटेग्रिटी किसको कहते हैं सिग्नल इंटेग्रिटी इसीलिए कि भी जैसे हम पावर एक जगह से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक लेकर जाना चाह रहे थे तो हम कह रहे थे कि अगर उस रस्ते में पावर ना हमारी ज़ाया हो या पावर कम ना हो या वोल्टेज कम ना हो तो वो पावर इंटेग्रिटीजी सिग्नल ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप तक उसी तरीके से पहुंच जाए और आप उसी तरीके से समझ लें जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ लेकिन होता ऐसा नहीं है हर बंदा की अपनी अपनी दुनिया है मैं किसी एक परस्पेक्टिव से बोल रहा हूं और इतने सारे लोग आप सुन रहे हैं यार। हर बंदा उसे डिफरेंट अंदाज में रिसीव कर रहा है ठीक है ना तो कुछ मैसेज जो है वो ट्रांसलेशन में ही लूज हो गया है जिसे हम कहते हैं अः क्या कहते हैं हाँ वो शेर है कि हम वफा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे या जफा पढ़ते रहे इसी तरह से कि जब आप जो ट्रांसमीटर मैसेज भेजना चाह रहा है और वो रिसीवर तक उसी तरीके से ना पहुँचे उसी तरीके से पहुँचे इस इस सारी इंजीनियरिंग का नाम सिग्नल इंटेग्रिटी है और ये सिग्नल इंटेग्रिटी जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल आम तौर पे हम उन्हें कह सकते हैं कि जो प्रेवलेंट हैं आजकल वो डिजिटल सिग्नल हैं और उसमें नॉर्मली दो स्टेट हैं एक जीरो है एक वन है इसी की बेस पे हमारे सेलफोन काम कर रहे हैं हमारा लैपटॉप काम कर रहा है डेस्कटॉप काम कर रहा है सर्वर और जितने भी ये डेटा सेंटर की चीजें हैं सबकी सब, सब डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमने सिर्फ भेजना जीरो और वन है और हम चाहते हैं कि रिसीवर तक भी वो ज़ीरो और वन होके चला जाए लेकिन वो इतना मुश्किल क्यों है कि उसके लिए कि ये पूरा का पूरा फील्ड जो है वो इन्वेंट करना पड़ गया है हम टाइम का हिसाब किताब जो है अच्छा छब्बीस अच्छा, हो गए तो आ, वो इसलिए पड़ गया है कि हम अब तक ये सोचते हैं कि जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ अपने घर में बल्ब जलाने के लिए बल्ब ऑन हो जाता है मैं स्विच को दूसरी तरफ दबाता हूँ बल्ब ऑफ हो जाता है उस वक्त हमारे सिग्नल की रफ़्तार इतनी स्लो थी कि हम उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही समझते रहे और उसे ट्रीट भी उसी तरीके से करते हैं मॉडल भी उसी तरीके कर, करते हैं इवन दो के जब हम इस लैपटॉप के अंदर मेरी चिप लगी है ये किस चीज़ से कम्युनिकेट कर रही है जो सीपीयू की चिप है वो मेमोरी से कम्युनिकेट कर रही है वो डिस्प्ले के साथ कम्युनिकेट कर रही है वो मेरे हेडफोन और माइक के साथ कम्युनिकेट कर रही है कीबोर्ड और माउस के साथ कम्युनिकेट कर रही है इसमें से डिफरेंट चीज़ों के जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का रेट है वो फ़र्क है जो कीबोर्ड माउस वो बिल्कुल स्लो डिवाइस है क्या आप उसमें इतनी तेजी से की नहीं दबा सकते राइट right? और जो मैं बोल रहा हूँ ऑडियो भी ये भी रेलेटिवली स्लो है जो वीडियो है चूंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा है एक एक पिक्सल को इसने लेना है कैमरे ने उसको सीपी ने ट्रांसफॉर्म करना है मेमरी में, में प्रोसेस करना है कंप्रेस करना है भेजना है उसके लिए ज्यादा डेटा चाहिए इसी तरह से अगर कोई नेटवर्क का कार्ड लगा हुआ है तो उस पर भी डेटा काफी तेजी से जाता है तो जब ये डेटा इतनी तेजी से मूव होता है एक चिप से दूसरी चिप तक या एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर तक एक पिन से दूसरी पिन तक चाहे हम इसे इलेक्ट्रिकल कह लें और हम फिजिकल ट्रेस बिछाते हैं या तार बिछाते हैं सीपीयू की एक पिन से लेकर अगर मेमोरी तक जाना है तो वो मेमोरी तक जाएगी और अगर ये ऑडियो जैक तक जाना है तो वो ऑडियो जैक तक जाएगी लेकिन वो जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म की मिसाल क्या है कि जैसे हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी के अंदर फिर वेव बन जाती हैं और वो ट्रैवल करती हैं और अब कुछ रेडियस के बाद जाके डाई डाउन हो जाते हैं लेकिन उसमें ये नहीं होता कि पानी जो पानी का मालिक्यूल है जिस जगह पे आपने पत्थर फेंका है वो वहां से उठे और वो ट्रेवल करके एंड तक चला जाए वो मालिक्यूल अपनी जगह पे ही रहता है वो बस साथ वाले मालिक्यूल को धक्का मारता है साथ वाला अपने साथ वाले को धक्का मारता है वो वाला उससे तो ये वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है कि बेसिकली फिजिकल मीडियम अपनी ही जगह पे रहता है लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देती है तो उस सिग्नल इंटेग्रिटी को समझने के लिए हालांकि वो सारी की सारी ये जो मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहा हूँ वायरलेस की बात नहीं कर रहा जो हम सेलफोन से बात कर रहे हैं वो भी वेव की फॉर्म में जा रहा है और जो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ या हम एक दूसरे से आमने सामने भी बोलते हैं वो भी वेव की फॉर्म में जाता है कि हमारी जबान और ये जो भी वॉइस बॉक्स है हमारे गले में वो हवा को इस तरीके से पुश पुल करता है कि वेव जाती है और जो जाके हमारे ईयर ड्रम को इस तरीके से वाइब्रेट कराती है कि हम उससे सुनते हैं और वो उसको हम समझते हैं लेकिन मीडियम कहीं मूव नहीं होता तो इसी तरह से ये जब हाई स्पीड सिग्नल है ये सिग्नल इंटेग्रिटी कहीं पे एज ए डोमेन पढ़ाया नहीं गया मैंने नहीं पढ़ा स्पेशली और अभी प्रोग्राम शुरू हो गए क्योंकि पहले इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी सिग्नल बड़े स्लो थे तो वही जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के फंडामेंटल थे ऑन और ऑफ और बस अपने आप कनेक्ट हो गया और जोड़ दो पिनों को किसी को कोई तोज्जो देने की जरूरत नहीं है चल जाता था अब हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं जैसे मैं स्विच प्रोडक्ट पे काम करता हूँ स्विच क्या चीज़ होती है स्विच की मिसाल देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब मुझे यूएससी में मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे एडमिशन डिपार्टमेंट को रबता करना पड़ा अपनी एप्लीकेशन के बारे में ये वो मेरे घर पे फ़ोन नहीं, तो नहीं, नहीं था तो मैं इंटरनेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर अगर फ़ोन नहीं था तो मैं अहमदपुर लम्बे की एक्सचेंज में जाता था यहाँ पे यू एस एस के ऑफिस कॉल करने के लिए तो वहाँ पर मैंने देखा कि स्विच क्या है और स्विच का फंक्शन क्या है अहमदपुर लम्े में कुछ फ़ोन थे अगर किसी बंदे ने किसी से बात करनी होती थी वो अपना फ़ोन उठाता था और दूसरी तरफ से भी कोई एक बंदा फोन उठाता कहता है जी सर किससे बात करनी है वो कहते हैं जी राणा साहब के घर में ला उसने एक तार उठानी और दूसरे उसमें डालनी और उसको थ्रू कर दिया वो हो जाता तो ये चीज मैंने जब मैं उधर एक्सचेंज में गया हूं तो मैंने ऑब्जर्व की कि, कि वो बंदा कैसे मिला रहा है उसके सामने एक छोटा सा टेबल था हर एक के साथ एक बत्ती लगी हुई है जो कोई फोन उठाता था उसकी बत्तियान हो जाती थी उसने उठाया उसे पूछा किससे मिलाना है फिर एक तार ली उससे और दूसरों के तार में मिला दी और उनको थ्रू कर दिया तो वो जो बंदा जाप कर रहा था वो स्विच था दैट अ मैनुअल स्विच रियल मैन मैनुअल स्विच दैट वॉज द वो काम कर सकता है जब आपका प्रॉब्लम साइज इतना छोटा हो कि पूरे शहर में सौ फोन हो और एक टाइम में चार पांच से ज्यादा बंदे कॉल नहीं करेंगे राइट एक बंदा कितना रिस्पॉन्स तो ये जो डेटा सेंटर के अंदर हम बात कर रहे हैं इतने सारे सर्वर लगे हुए हैं हर सर्वर को हम 100 गीगा बिट्स पर सेकेंड जब गीगा का लफा आता है तो इसका मतलब है एक सेकेंड के अंदर हम एक बिलियन ट्रांसफर बिट या इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये स्पीड कितनी है जब इस स्पीड की बात होती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर हम वो बीस बाईस इंच का विथ का अगर पीसीबी बोर्ड है उसका स्विच का और अगर हम सेंटर में उस मैनुअल स्विच को रखें जो कि अब डिजिटल चिप की फॉर्म में है तो वहां से वहां लेके आप मसला फीसा गोरस लगाएं तो मैक्सिमम बारह चौदह इंच बनेगा एक साइड पे तो हम ये चौदह इंच का सिग्नल नहीं भेज सकते यानी कि इलेक्ट्रिकल लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि चौदह इंच पे अगर आप यहां से एक वोल्ट भेजें एक वोल्ट में एक हजार मिली वोल्ट होंगे और आप चाहें कि अगर आपका रिसीवर जो है उसको अगर जीरो मिले और दस मिली वोल्ट मिले तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि जीरो को मैं जीरो मान लेता हूँ दस मिली वोल्ट को मैं लॉजिक वन मान लेता हूँ तो ये आप इतना नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये सारे के सारे चीज को मॉडल करना के भी वो कैसे जाएगी किस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल होगा वो जो पीसीबी के ऊपर तार बिछनी है उसकी चौड़ाई कितनी होगी लंबाई कितनी होगी उसकी स्मूथनेस कितनी होगी जब आपने लेयर ट्रांसमिट करनी है मतलब ये जो पीसीबी बोर्ड बनता है ये जो चिप होती है स्विच की फॉर एग्जांपल इसके अंदर दस हजार पिने में से मेजॉरिटी हम कह लें कि सात आठ हजार पिनें या छह सात हजार पिनें जो हैं वो तो पावर और ग्राउंड के लिए सर्व हो गई क्योंकि आपने उसको उसे एनर्जी भी देनी है ये काम करने के लिए बाकी सारी इतनी सिग्नल की पिन्ने हैं उन पिनों को जब आपने ये पोर्ट तक पहुंचाना है तो उसके लिए आप वो पीसीबी की एक ही लेयर पे इतने आप सिग्नल नहीं बिछा सकते और इतनी सारी पावर देने के लिए भी आप डेफिनेटली एक लेयर नहीं बिछा सकते तो वो जो बोर्ड बनता है पीसीबी बोर्ड ये आपके लैपटॉप में छह या आठ लेयर का बोर्ड होगा लेकिन ये सर्वर और स्विचेज वगैरह के प्रोडक्ट में इवन चालीस चालीस लेयर के भी बोर्ड होंगे तो जब आपकी चिप तो टॉप पे बैठी है उस पीसीबी के और उन सिग्नल को आपने अंदर की लेयरों पर राउट करना है तो इसका मतलब आपने टॉप से उन्हें अंदर तक भी पहुंचाना है तो वो कितने साइज का सुराख होगा किस टाइप की उसकी फिलिंग होगी ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मॉडल करना इनको एनालाइज करना और मेक श्योर करना कि जब आपका सिस्टम बन के आएगा वो वैसे ही काम करे जैसा आप चाहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ द सिग्नल इंटेग्रिटी अब मैंने इसको सारी चीज को ये रिलेट करना है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ कैसे है इस सारी चीज़ को जो वेव थ्योरी है इस इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़माना पहले मेरा ख्याल है दो सौ साल हो गए होंगे मैक्सवेल ने की थी मैक्सुअल इक्वेशन कहलाती हैं या वेव थेरी तो वो सारी कामन है लेकिन मुझे तो नहीं सॉल्व करनी आती वो वो मैथ मुझे नहीं करना आता लेकिन मेरी जॉब वही है तो मैं कैसे अपनी जॉब कर पाता हूँ तो ये सारी जाप करने के लिए किसी के लिए भी सबके सब लोग हम कोई भी आजकल हाथ से ये कैलकुलेशन नहीं करता हालांकि एक इंजीनियर को बेसिक कैलकुलेशन करना आनी चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर के टूल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इक्वेशन नोन है और ज्योमेट्री कंप्लेक्स है आपकी और ज्योमेट्री को जब आप मॉडल करते हैं उस जमाने के लोगों ने 200 साल पहले जब उन्होंने इक्वेशने डेवलप की उन्होंने हाथ से किया पेपर और पेंसिल से किया और उन चीजों को वर्क भी करके दिखाया और उनको प्रूव भी करके दिखाया लेकिन वो जो बात कर रहे थे वो ट्रांस अटलांटिक लाइन की बात कर रहे थे या टेली की बात कर रहे थे रफ्तार बहुत स्लो थी तो फिनामाना सिंपल था तो आप कर लेने अगर आपने अब पीसीबी बोर्ड मॉडल करना है या अपने सेलफोन का पीसीबी मॉडल करना है उसके लिए भी पूरा बोर्ड का तो सिम एक ही उसमें सिमुलेट करना मुमकिन भी नहीं तो छोटी छोटी ज्योमेट्री को हम मॉडल करते हैं तो इसमें इसको कहते हैं कैट टूल्स राइट सो so, थ्री डी मॉडलिंग के लिए एनसिस एक कंपनी है उसको रिसेंटली सनाप ने बाय किया है तो ये सारी फिजिक्स की और इक्वेशन वो मॉडल करते हैं तो so, सारे का सारा बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है इसी तरह से मेंटर ग्राफिक्स की कंपनी है दे हैव ए स्पेशलिटी ऑन मीडियम स्पीड का ना सिग्नल मॉडलिंग इसी तरह से केस की साइट ए है इसी तरह से केडेंस की कंपनी है सी एस टी स्टूडियो है तो ये सारे का सारा जिसे हम डिजिटल डिज़ाइन कहें चाहे वो आई सी डिज़ाइन है पी सी बी बोर्ड डिज़ाइन है आई सी का पैकेज डिज़ाइन है सिग्नल एंड पावर इंटेग्रिटी एनालिसिस है ये सब का सब कैद टूल के जरिए से होता है और कैद टूल जो हैं वो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखते हैं इसके अलावा जो टूल के यूज करने वाले हैं जो टूल के यूज करने वाले हैं उन्हें हर चीज नहीं पता होती टूल के बारे में अब टूल उन्होंने एक टूल आप बनाते हैं उसकी जो बंदा सेल फोन के लिए चीज डिजाइन दिज़ कर रहा है इलेक्ट्रिकल बोर्ड और जो बंदा अटानोम व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिकल बोर्ड डिजाइन कर रहा है जो टीवी के लिए बोर्ड डिजाइन कर रहा है और जो सर्वर और स्विच के लिए बोर्ड डिजाइन कर रहा है वो एप्लीकेशन उनकी फर्क है उनके प्रॉब्लम का साइज फर्क हो जाता है इसी तरह जो चिप का पैकेज डिजाइन कर रहा है और ये जो मैं डिजाइन की बातें कर रहा हूँ ये सारे मैं फिजिकल मीडिया के डिजाइन की बातें कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई तार बिछानी है कितनी लंबी हो कितनी चौड़ी हो किधर से जाए दाएं से जाए बाएं से जाए ऊपर से जाए नीचे से जाए मैं इस किस्म की चीजों की बात कर रहा हूं ये साइज के फर्क होने से आपका प्रॉब्लम की डोमेन ही फर्क हो जाती है उसका टूल भी फर्क हो जाता है तो लेकिन जो कंपनियां टूल बनाती हैं वो मोस्टली जेनेरिक बनाती हैं तो दूसरा जो फील्ड मतलब मैं सोच सकता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस फील्ड में किस तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है एक तो ये है कि प्योर आपकी वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इसका मॉडलिंग और एनालिसिस का सॉफ्टवेयर दूसरा यह है कि एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर को उस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को अपने टूल की ट्रेनिंग दे सके उनके मसले हल कर सके अगर किसी की एप्लीकेशन कोई बड़ी ऐसी है जो टूल अभी मॉडल नहीं कर रहा तो वो अपने कस्टमर की उस एप्लीकेशन को समझ के अपनी आर एंड डी टीम को बता सके बेहतर तरीके से कि भी हम किस तरीके से ये फीचर अपने टूल के अंदर इनकारपोरेट कर लें तो ये एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यानी इसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है और मैं क्या समझ सकता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से Uh, मेरे तो ख्याल में यही है कि सॉफ्टवेयर या तो प्रोग्राम की डेवलपमेंट है या एप्लीकेशन इंजीनियरिंग है बेसिक हाँ नहीं तीसरी चीज भी मैं सोच सकता हूँ वो ये है कि आजकल आप सब हम लोग सुन रहे हैं कि हर तरफ आई आई ए आई तो हर तरफ ए आई आई हुई है तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिग्नल इंटेग्रेट इंजीनियर या पावर इंजीनियर जॉब करता है वो क्या करता है वो सिनेरियो देखता है मेरे पास ये मटेरियल्स हैं ये मेरे सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट है या ये मेरी पावर की रिक्वायरमेंट है मैं किस तरीके से इसको जो है क्राफ्ट करूं कि ये चीज़ काम कर जाएगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं डेटा बेस बना सकते हैं सारा के सारा इकट्ठा कर सकते हैं उसकी बेस पे कि भाई इन्होंने ये पिछले प्रोजेक्ट में कैसे कैसे ये डिसीजन बनाया था तो मेरा ख्याल है कि अभी भी लोग कुछ ना कुछ ऑलरेडी स्टार्टिंग वर्कआउट ऑन इट के भी हम किस तरीके से ए आई को इस्तेमाल करें इस सिग्नल और पावर इंटेग्रिटी एस में तो ये एक और डोमेन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है एस ए प्रोग्रामर एस एट कैन बी हेल्पिंग हैंड इट्स नॉट मे भी किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम इट सेल्फ आपको फाइनल आउटपुट दे दे और आपका सिस्टम सारा का सारा काम कर दे

मतलब ये तो एक इजी लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े आराम से भरोसा हैं अच्छा जी ये ये टिपिकल प्रॉब्लम है और ये डिफरेंट कंपनीज हैं और उनके ये सोलूशन है और वो उन्हें फटाफट कोई कंपेरिजन की रिपोर्ट जनरेट करके दे दे ताकि जो इंजीनियर डिसीजन मेकर उसने करना है कि मैं क्या चुनूँ अपनी इस एप्लीकेशन के लिए आसानी असान, हो इसी तरह से जो सिग्नल इंटेग्रिटी की सिमुलेशन रन होती हैं कोई उन्हें ऑटोमेट कर दे उनके डिसीजन की ए, मेकिंग आसान हो जाए जो फाइनली लेआउट होता है उसको भी चेक करना होता है फिर सिग्नल इंटेग्रेटिंग इंजीनियर ने उसके चेक जो हैं वो ऑटोमेट हो जाए तो मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो इस तरीके से आ, काम कर सकते हैं अगेन मेरा ख्याल है कि मैंने मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम ले लिया है क्योंकि मैं चाहता ये हूं कि मैं आपकी भी बात सुनूं फीडबैक सुनूं कि ये कुछ Uh, मेरी बात आपको समझ भी आ रही है या सिग्नल इज ला गेटिंग लास्ट इन ट्रांसलेशन या भैंस के आगे मैं बीन बजा रहा हूँ तो प्लीज कुछ ना कुछ अपने सवाल रेज कीजिए पूछिए और आई आई फील कंफर्टेबल ऑन एनी थिंग सिग्नल और पावर इंटेग्रिटी आर यू नो एनी थिंग इन बिटवीन अर्थ मतलब किसी भी आपने टॉपिक पे बात करनी है वर आई कैन आंसर आई विल आंसर थैंक यू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रियाज नसीर स्टूडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है मैं हई कोर्ट गुरु के मैनेजमेंट में हूँ और हम uh, यहाँ पे एरिया में यू एस में है और डॉक्टर रियाज इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड और थैंक यू वेरी मच सर और फॉर दिस टाइम और बाकी मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप इनका बैकग्राउंड देखें वी रियली कनेक्ट टू हिम राइट कि अहमदपुर लम्हा से ये आए ठीक है इनको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जो उस जमाने में बहुत और स्टूडेंट्स को थी लेकिन आप ये देखें इन, इनकी स्ट्रगल हम सब के लिए यहाँ पर यूएस में बड़ी इंस्पायरिंग है कि इनको वो चीजें प्लेट में रख के नहीं मिली जो अमूमन स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं कि सारी चीजें स्ट्रीम लाइन है अब ये जिस तरह वो बात कर रहे थे कि किस तरह वो यूएस कॉल करते थे किस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया तो हमारे लिए हम सबके लिए भी यहाँ पे डॉक्टर रियाज नसीर एजा इज अ ग्रेट मोटिवेशन तो

जी डॉक्टर साहब जस्ट ए कॉमेंट श्योर sure. हाँ जी uh, मेरा नाम है जी नुमान आई नो रियाज इयर्स तो इसने बहुत खूबसूरती है बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमारी ज्यादा टेक्निकल जो है ना अच्छी और चिप डिज़ाइन की ज्यादा जो टॉक्स होती हैं वो uh, बड़ी uh, जो है ना डिज़ाइन सेंट्रिक होती हैं तो आई थिंक रियाज डेड एन एक्सलेंट जॉब पुटिंग दि सॉफ्टवेयर ईडीक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स इन दी परस्पेक्टिव और सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली जो पाकिस्तान में है कि अब रियाज ने मैंशन किया केडेंस डिजाइन सिस्टम के टूल्स तो काफ़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने केडेंस के ऑटोमेशन टूल्स लिए हुए हैं तो आ, मतलब जैसे फास्ट में हैं नस्ट में हैं जी आई के में आ जाएंगे शायद यू ई टी में हैं उस्मानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है कराची में है तो अगर आप स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं इंटरेस्टेड है ना इसमें तो प्लीज़ अपने जो है ना एडवाइज़र से अपने प्रोफेसर से आप पूछें कि जी ये टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है एंड अगेन थैंक यू रियाज फॉर एन एक्सलेंट प्रेजेंटेशन थैंक यू सरुमान फॉर कमेंट तो स्टूडेंट में होते हैं और आई थिंक लास्ट शायद थर्टी इयर्स से यूनाइटेड स्टेट्स में है तो इनशाला हम इन्हें भी वेबिनार पर बनाएंगे थैंक यू और ऑल आल्सो शायद मैंने ना तेरह साल तकरीबन केडेंस में भी काम किया था इन्हीं टूल्स के ऊपर भी सपोर्ट में ठीक है राइट right, सर जी स्टूडेंट स्टूडेंट हैव क्वेश्चंस सर uh, मेरा एक क्वेश्चन है कि uh, ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन है अभी हम ये लाइंस यूज कर रहे हैं और क्योंकि uh, तो मेरा ताल्लुक वायरलेस से है हम इसी चीज को एक डिफरेंट परस्पेक्टिव में देखते हैं कि एक मोबाइल फोन से जब डाटा ट्रांसमिट होता है इन दैंड वन और जीरो जी ट्रांसमिट होने हैं वो बेस स्टेशन तक या दूसरे मोबाइल तक uh, किस तरह पहुंचे कि वन को आप जीरो इंटरप्रेट ना कर लें तो डोमेन थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन इन द एंड चीजें वही हैं तो आप इस जो ये फील्ड आप इसमें आप देखते हैं कि ये वायरलेस फ्यूचर में इंट्रोड्यूस हो सकेगा और ये जो हमें इतनी सारी लाइंस बिछानी पड़ती हैं चीजें कनेक्ट करनी पड़ती हैं क्या ये इस पर कोई काम हो रहा है या ये अभी इस फील्ड इज मतलब इससे फिलहाल कंपेटेबल नहीं है क्योंकि साइज इतना कम है कि ये काम मुश्किल है हाँ तो जैसे आपने बताया ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनमिना है और अभी कंप्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग पी की बजाय अभी जो है वो बेसिक तारें जो हैं इस्तेमाल करें कि चिप के पास कनेक्टर लगाएं और वो कनेक्टर फिर जो बॉक्स के फ्रंट पैनल पे पोर्ट होगी उनके साथ आ जाए क्योंकि तार का नुकसान कम होगा तार के अंदर लाशें जो हैं वो कम होंगे बनस्बत पी सी बी पे क्योंकि पीसीबी के ट्रेस पतले होते हैं लेकिन वाई वायरलेस जो है वो सेम है लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा जा रहा है जो काम अभी हो रहा है पहले था पीसीबी से वहां तक और अब हम उस लिमिट पे पहुंच रहे हैं अभी मेरा ख्याल है एक जनरेशन और निकल आएगी कि पीसीबी पे ही चला जाए कि के लोग केबल इस्तेमाल करके वो पहुंचाएं जो तीसरी चीज इसमें हो रही है अभी और माशाल्लाह आपकी कंपनी की प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में है वो ये है कि को पैकेज ऑप्टिक्स के चिप के पैकेज के अंदर ही आप ऑप्टिकल रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो ऑप्टिक्स की रीच है वो बहुत ज्यादा है और लोग उस तरफ जा रहे हैं वो वाई फाई पे इसलिए जा रहे हैं कि ये ये लाइनें इतनी ज्यादा हैं और वो वाकई स्पेस इतनी थोड़ी है बेसिकली वाई वाई फाई कैसे काम करता है वाई फाई की जो पहली जो मिसाल है वो तो रेडियो है राइट के शुरू शुरू में आया ए एम रेडियो तो उसमें क्या कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ जो ह्यूमन ह्यूमन वॉइस है ये फ्यू मतलब लेस देन ट्वेंटी किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी रेंज में मैं बात कर रहा हूँ right? I mean, तो जब हम ए एम के रेडियो को ट्यून करते हैं वो किसी को दे दिया हंड्रेड किलोहर्ट्स का चैनल किसी को हंड्रेड टेन का किसी को टू हंड्रेड का तो सिक्सटीन हंड्रेड किलोहर्ट तक फिर उससे ज्यादा जब हमने फिडेलिटी बढ़ाई तो फिर एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन उन सब में क्या कर रहे थे कि जो ओरिजिनल सिग्नल है जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन थ्योरी में आ जाता है कि किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके इसकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर देते हैं स्पेक्ट्रम में तो ये मेरी बात की बैंडविड्थ उतनी ही रही लेकिन उसका फंडामेंटल जिसके इर्द गिर्द ये मूव करेगी वो शिफ्ट कर दिया तो हर बंदे को हर रेडियो चैनल को हर टीवी स्टेशन को या जब हम वाईफाई में बात कर रहे हैं कोई बंदा जीएसएम पे बात कर रहा है या किसी और पे कर रहा है या इस कंपनी का है या दूसरी कंपनी का ए टी का है या वायजन का है तो हम उन्हें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन कर देते हैं तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ इतना इंटरफेयर नहीं करते तो जब यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल अब आपकी जो लेटेस्ट चिप है उसके अंदर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व स्टर्डीज हैं अब 512 हंड्रेड की लेन मैंने उस लिमिट के अंदर ही महदूद रखनी है और वो एक दूसरे के ना ना हो तो मुझे अभी इतने सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए और फिर उसको मिक्स जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो एक मिक्सर लगाना पड़ेगा जब रिसीव करने हैं तो आपने डाउन शिफ्ट करना है दूसरा रिसीवर लगाना है तो इट्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली उस दैट सेंस में राइट right? इतनी उसके लिए ये पीसीबी पे चल क्यों रहा है सारा कुछ पीसीबी चीपेस्ट है उसके बाद आप केबल लगा सकते हैं वो बड़े आराम से काम कर देगा उसकी परफॉर्मेंस पीसीबी से कहीं बेहतर होगी लेकिन इतनी सारी केबलें बिछाना जो है एक उसकी कास्ट कहीं ज्यादा हो जाएगी पीसीबी से दूसरा उन सारे सिस्टम को ठंडा करना इतनी हवा चल रही है केबल इधर उधर हिलेगी कभी डेटा सही आ जाएगा कभी गलती आ जाएगी इंजीनियर ढूंढते रहेंगे ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा खैर जब सॉल्व करने निकलेंगे तो उसे मैकेनिकली भी सॉल्व कर ही लेंगे कि चाहे कितनी भी हवा चल रही हो नहीं हिले तो उसके बाद कास्ट वाइज फाइबर ऑप्टिक आई थिंक मोर होगा तो वाई फाई के लिए करना है तो और जो हमें एक्स्ट्रा चिपें लगानी पड़ेंगी और जो इंटरफेरेंस है और उसको हम के इसी उसमें कंटेन रखे देखें जो भी इवन अभी हम नहीं भी लगा रहे वाई तो जो मैकेनिज्म है वो सेम है जिससे वाई सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो ये चीज भी बेसिकली रेडिएट कर सकती है और इसलिए एफसीसी चेक करती है कोई भी आप बॉक्स बना के बेचते हैं चाहे आप सेलफोन बेच रहे हैं लैपटॉप बेच रहे हैं या आपके सर्वर और राउटर की स्विचेस ये बॉक्सेस कंटेन रहते हैं एक बिल्डिंग में तो इनकी रिक्वायरमेंट और है लेकिन फिर भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये एक सर्टन लेवल से ज्यादा रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है अपने बाग से बाहर नहीं आने दें तो वो वही इंटरफेरेंस की वजह से है तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि ये कास्ट वाइज जो है इतना इफेक्टिव नहीं है कास्ट में कापर पीसीबी या केबल

हमने कहा नहीं नहीं इसमें वायरलेस नहीं यूज होगा क्योंकि अपलिकेशन में तो शुरू में लोग कहते थे वायरलेस नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये तो एनी थिंग गोज इन एयर कोई भी सुन सकता है राइट आप जितनी मर्जी उस पर सिक्योरिटी लगा पीपल कैन स्टिल अब मिलिट्री यूज कर रही हैं सारे वायरलेस सिस्टम्स तो अ बट या इट विल टेक मेबी मच मोर टाइम इस फील्ड में वाले सेंटर हो सके थैंक यू सर थैंक यू स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए सर से कि सर तोमरिकुम सलाम वालिकुम सलाम आप पूछ सकते हैं अ जी सर दानिश अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी आ अलैक्म सर बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर लिखते हैं वो कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो सिग्नल इंटे, इंटेग्रिटी को चेक कर पाए तो वो जैसे कि आपने कहा कि डेटा बेस बनाएँ या फिर डेटा कलेक्ट करें तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो या इंजीनियर कलेक्ट कर सकता है या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं फीचर तो कलेक्ट किए जा सकते हैं कि उनके बेस पर कुछ जा 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 कुछ ऑटोमेट हो या जैसे कि आपने कहा कि एक फाइनल आउटपुट जनरेट हो तो वो क्या है वो आउटपुट क्या होगा या जो डेटा कलेक्ट होगा वो, वो क्या है आ, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका तो इसकी मैं मिसाल इस तरीके से दे सकता हूं कि देखें कुछ चीजें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है आ, ये वेरी हाई लेवल फील्ड है एप्लीकेशन लेवल फील्ड है उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जैसे अगर मैंने ऊबर या लिफ्ट की ऐप लिखनी है तो उसमें एक आम बंदे को भी समझ आ जाता है कि कस्टमर चाहता क्या है कस्टमर चाह रहा है कि अच्छा भाई आ, मुझे यहाँ से वहां तक जाना है तो ऐप में वो दिखा दे और उस तरीके से मैं मेरे नियर बाई ड्राइवर हैं मैं उनको तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूँ कि भाई यहाँ पे एक सवारी है वो यहाँ से वहाँ जाना चाह रही है और जो भी रोड की कंडीशन है उसके हिसाब से वो किराया वगैरह एडजस्ट कर लें तो वो जो चीजें इकट्ठा करनी है फील्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी ऐप को प्रोसेस करना है वो रिलेटिवली आसान है इसी तरह से अगर आपने एयर की एप्लीकेशन डेवलप करनी है या कुछ और इस तरह की शेयरवेयर की या सोशल मीडिया की वेबसाइट बनानी है जब आप किसी डोमेन स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको उस डोमेन का नॉलेज लेना पड़ेगा चाहे मेरी फील्ड कुछ हो मतलब देखें जो बंदा जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेल्थ इंडस्ट्री में उसे कुछ ना कुछ समझना होगा कि अच्छा मैंने अगर चाहे एक्सरेज का ही कोई अंडरस्टैंडिंग का और रिकमेंडेशन बनाने का सॉफ्टवेयर लिखना है कि वो एक्सरे को पढ़े क्योंकि डॉक्टर भी पढ़ता ही है और फिर वो कहे अच्छा फ्रैक्चर है या नहीं है या ये मसला है या वो मसला है तो कुछ ना कुछ उसे समझना पड़ेगा कि क्या कैसे वो नजर आता है कोई बैंकिंग में जाता है तो उसे बैंकिंग के रूल रेगुलेशन रिलेटिवली ईजी होते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समझना पड़ता है तो अभी चूंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक हार्ड कोर फील्ड है तो उसे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिग्नल इंटेग्रिटी इंजीनियर किसको देखते हैं मतलब अगर सिग्नल इंटेग्रिटी देखें तो रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम होगा क्रास टाक का प्रॉब्लम होगा इम्पिडेंस मैचिंग का प्रॉब्लम होगा तो जो उस फील्ड की थोड़ा सा भी यानी आप उसे सर्वे करेंगे तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये ये चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो फिर हम उनके देखते हैं अच्छा ये कैसे इवैल्यूएट होती हैं और कैसे में इनकी क्या क्या रेंजेस होती हैं टिपिकली इसी तरह से अगर मैं पावर की बात कर रहा था तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल है कि एक तो वोल्टेज ड्राप होगा और एक पावर लॉस होगा और वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है तो आप किस तरीके से यानी कि उसको मॉडल कर लें और वो वो तो टूल हैं बहुत सारे लेकिन उनको आप एक और थोड़ा सा और हाई लेवल पे चले जाएंगे कि जैसे जो कंपोनेंट डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेटर अवेलेबल हैं और इतने करंट को हैंडल कर सकते हैं उनका कंपैरिजन करके इजी रिपोर्ट जनरेट करना लेकिन डेफिनेटली ये कि आप कहें कि अगर मैंने कंपनी स्टार्ट करनी हो राइट आई मीन ये तो होता है कंपनी में एक आर्किटेक्ट है जिसे उस फील्ड का इंफॉर्मेशन पता है फिर एक नीचे वो प्रॉब्लम को डिवाइड डाउन कर देता है जो एक लेयर है जिसमें आधा उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पता है और आधा उस फील्ड का भी पता है और फिर नीचे एक जिसे हम कहते हैं कि प्यादे हैं जिन्होंने सारा काम करना है एक्चुअल फुट सोल्जर कि उन्होंने सारा का सारा प्रोग्राम लिखना है तो उन्हें आप डायरेक्ट किया जाएगा लेकिन अगर आपने खुद वो कंपनी बनानी है तो आपको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस फील्ड को पढ़ने के पढ़ने के लिए स्कोप का आप उठने के लिए क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है वो मेरा ख्याल है कि मैं एक ही सेशन में इस तरह से उनका कर्मे करना आसान नहीं थैंक यू सर मेरा एक और सवाल भी है वो ये कि सवाल भूल गया जस्ट मैं मुझे एक मिनट में सवाल भूल गया चलें किसी और का कोई सवाल है किसी और को मौका देते हैं सर सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से तो मेरा एक्चुअली सवाल है जिस तरह हम ये सिग्नल है ना वायरलेस के जरिए ट्रांसमिट करते हैं इस तरह जो पावर है यानी करंट और वोल्टेज को भी वायरलेस के जरिए ट्रांसमिट किया जा सकता है क्या बिल्कुल और किया जा, जा सकता है इसकी तो मिसालें आजकल आपको अवेलेबल हैं कि आप अपने फोन को नहीं वायर, वायरलेसली चार्ज कर रहे हैं राइट मतलब अब तो ये गाड़ियों में भी तो आया हुआ है ना मतलब कम से कम मैंने कार खरीदी है कि आप अपना फोन उधर कंसोल पे डैशबोर्ड बना एक जगह बनी वहां पे रखें वो चार्ज हो जाएगा मतलब मेरा ख्याल है ये तो बहुत सारे फोन हैं चाहे वो आईफोन है या इवन एंड्रॉयड के फोन हैं कि जिसमें आप केबल प्लग नहीं करते हैं उसे चार्ज करने के लिए आप किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं और वो वायरलेसली जो है एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है और वो आपका फोन चार्ज हो रहा है तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी है लेकिन इसकी जैसे अभी पहले रिजवान साहब ने ये बात कही थी क्योंकि मैंने भी आज से दस साल पहले भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की होंगी तब भी लोग भी बात कर रहे थे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी चार्जिंग का भी कि क्यों लोगों को आके अपने गिराज में भी लगाना हो प्लग मतलब कोई ना कोई चीज बस नीचे बिछी हो उससे कर ले लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी वही वाली बात है कि ये जो सेल फोन के हमारे सिग्नल हैं ये बहुत वीक होते हैं लेकिन बहरहाल अगर आप गूगल करें तो हर किस्म की स्टोरियाँ आपको मिल जाएंगी कि ये भी हमें किसी ना किसी तरीके से मुतासर कर रहे हैं तो जू जो वो एनर्जी जैसे हम ट्रांसफर करेंगे अगर एनर्जी की अमाउंट ज्यादा होगी तो उसका सराउंडिंग पे भी कुछ ना कुछ असर होता है कुछ ना कुछ असर होता है अभी आपकी सेहत को कोई फर्क पड़ता है उससे नहीं पड़ता है मतलब मुझे नहीं पता है मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन हर तरह की स्टोरी होती है तो चीजें होती हैं एक रेंज में और वो रेंज जो कि ये वाईफाई चार्जिंग तो बहुत ही आम है अब आप ये कहें कि मैं मेरे पूरे घर की फाइव किलो वाट की अगर कंजम्पन है पर डे और मेरा मतलब है कि चार स्ट्रीट छोड़ के ट्रांसफार्मर लगा हुआ और वहां से लेके वो यहाँ तक इतनी सारी पावर आ जाए और मैं कोई भी तार ना बिछाऊं तो वो जो इतने घरों में से वो गुजर के आएगी इतनी एनर्जी उन बंदों के जिसम के ऊपर वो क्या तथा छोड़ेगी एक बड़ा मतलब मसला होगा वो ठीक है लोकलाइज yeah. सिचुएशन में आई मीन इट्स पॉसिबल इवन बिगे बट वीव टू जस्ट डील विदेस ओके थैंक यू सर अच्छा सर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है कि जो एफ आई सिस्टम है ना मतलब एक तो हम ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हवा में ये मतलब आम में और जो जो पानी में सिग्नल ट्रांसमिट होता है इसका क्या सिनेरियो है क्योंकि इसमें एक तो प्रोजेक्ट हमारे यूनिवर्सिटी में चल रहे थे फाइनल ईयर में मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ तो वो ना लड़कों ने ना छोड़ दिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो उन्हें समझ नहीं आया कि पानी के अंदर सिग्नल को किस तरह जनरेट किया जा सके और आके ट्रांसमिट किया जा सके क्योंकि okay, आप दोस्त भी हैं वो भी इस सिस्टम पे काम तो पहले हो रहा है लेकिन हमें समझ नहीं लगी इस वजह से हमने ना उसको लेफ्ट कर दिया नहीं उसकी मिसाल इसी तरह से है कि देखें बहुत जमाना पहले से इंसान मतलब चाहे वो चोर डाकू थे आप कह लें या के रोजी कमाने वाले थे मेहनत से अपनी या जंग करने वाले थे वो सिग्नल कैसे ट्रांसफर करते थे दूर दूर तक या तो लोग घोड़ों पे जा रहे हैं एक दूसरे का मतलब वहां थक गया आगे नया आ गया या लोग क्या करते थे उस जमाने में भी शीशे का इस्तेमाल करते थे कि एक बंदा पांच मील तक बैठा है यहाँ पे पहाड़ी पे दूसरा उधर बैठा है और वो अच्छा जी मैं अगर तीन दफा ऑन ऑफ करता हूँ शीशे को राइट आपके तो एक शुआ जाती है रोशनी की उसका मतलब ये होगा अगर मैं दस दफा करूं तो ये होगा या दो दफा करूं तो ये होगा तो लोग सिग्नलिंग का जो मैकेनिज्म है बनाना वो लोगों ने मतलब शुरू से डेवलप किया हुआ कुछ ना कुछ ये जो हम बोल रहे हैं ये भी एक सिग्नलिंग का मैकेनिज्म है जिसे हम एक दूसरे की जब समझते हैं राइट हो सकता है राइट तो सिग्नलिंग तो जो सूरज से हमें रोशनी आ रही है वो भी सारे की सारी यानी कि सिग्नलिंग है राइट तो पानी में भी आप वाइब्रेशन कर रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं ये हवा में वाइब्रेशन है तो आप इसी तरह से पानी के भी डिफरेंट वाइब्रेशन वो आपके पास टेक्नोलॉजी होगी आप डिफाइन करेंगे अगर इतनी वाइब्रेशन हो रही है इस इस फ्रीक्वेंसी पे तो उसका क्या मतलब है और इस तरीके से हो रही है तो क्या मतलब है तो वो ट्रांसमिट और रिसीव डिज़ाइन जो है वो आपके ऊपर है और जाहिर है कि ये सारे का सारा जिसे हम जनरली कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर्स राइट यू नो मोर लाइक ए हम इलेक्ट्रो भी कह रहे हैं लेकिन अगर आम बंदे के तौर पर समझना है तो ये सारा मकैमिकल फेनामिना है कि जिसमें आप कोई फिजिकल वाइब्रेशन या चेंज इन मीडियम करते हैं और उस चेंज इन मीडियम को के जैसे वो शीशे से लाइट आती थी कोई चीज़ को कुछ ही को फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई मतला साफ होना चाहिए कि दरम्यान में दीवार आ गई तो वो लाइट उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी तो उन्होंने वो बंदे स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने हैं पहाड़ियों की चोटियों पे कि जहां तक वो लाइट जा सके तो जो पानी का मीडियम है वो पानी थ्रू आउट है अब आप देखें कि ये जो बहरी जहाज चल रहे हैं इन बहरी जहाज़ों के जो भी मोटरें चलती हैं या पंखे चलते हैं जो पानी को हिलाते हैं जो इन्हें मूव करते हैं उसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो वाइब्रेशन उस रेंज में चली जाती है कि ये वेल बेचारी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जो कर रही थी वो भी वाटर के अंदर ही वेव वो सिग्नलिंग कर रही थी राइट सर्टन फ्रीक्वेंसी के वाटर को मूव कर रही है तो वो एक दूसरे से बात करती हैं लेकिन अब इन जहाजों ने आके एक नई वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस करा दी वाटर के अंदर तो दे गेट कन्फ्यूज और हमने देखा कि बाज कितने मास मर्डर होते हैं कि इतनी सारी वेल जो है एक शोर पे चली जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती और वो इवेंचुअली उतने लेवल पानी में चली जाती हैं कि जहाँ पे फिर वो नहीं तैर सकती तो वो वो यही वाला मैकेनिज्म है कि आपने उनका अपने एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी थी जिससे वाटर को वो मूव करती थी जहाजों की और है तो तो आपने अगर, अगर अपना कोई कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बनाना है इट कैन बी मेड लाइक दैट काफी इस, पे और, तक ये आप इस पे काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इसके बारे में बता दें मतलब ये क्या चीज है आ, तो क्या कहना चाहिए आपके सवाल के जवाब में यार मुझे तो अभी तक ये जो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अलेक्ट्र, या पॉइंट चार्ज का जो फिनमिना है ना बेसिक यानी होता है कि एक चार्ज पार्टिकल है उसके गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है और आप उसके फील्ड में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाएं तो वो कैसे रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे और उनकी फोर्सेस को कैलकुलेट करना मतलब मैं मुझे वो अच्छी तरीके से नहीं समझ आया पढ़ाया मैंने मैं भूल जाता हूँ लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होता कि मुझे इसका कख नहीं पता ठीक है तो दिस इज बियॉन्ड माय एबिलिटीज आर के भी मेरे पास कोई बैकग्राउंड हो लेकिन जो लोग फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं जो फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है पार्टिकल चार्ज वगैरह को पढ़ा है दे नो मोर अबाउट इट

सर um, मेरा सवाल ये था कि आप जो है मैक्सवेल इक्वेशंस को कैसे यूज़ करते हैं सिग्नल इंटेग्रिटी को श्योर करने के लिए एंड उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपके बातों को सुन के मुझे ऐसा समझ आ रहा है ये काम ज़्यादातर हार्डवेयर सेंट्रिक है और सॉफ्टवेयर सेंट्रिक थोड़ा है या फिर ये मतलब मिक्सर है फिफ्टी फिफ्टी है कि अब हार्डवेयर तो भी उसी तरीके से ही होना चाहिए और मतलब ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए बेहतर होना चाहिए और ताकि सॉफ्टवेयर उस पर चले और अ, क्या ये जो जैसे कि आप कह रहे थे पीसीबी बोर्ड्स बोर्ड्स तो डिज़ाइन होते हैं उनमें तो तारें लगती हैं वो तो आई तो, गेस बहुत छोटे तो थो स्केल पे लगती होंगी तो इन चीज़ों को करना किसी भी बोर्ड्स को डिज़ाइन करना एक्सपेरिमेंट के लिए भी जैसे कि आप कह रहे थे कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट uh, करते हैं या कुछ स्टेप से गुजरते हैं फिर हमें एक आउटपुट uh, uh, मिलता है तो ये uh, ये प्रोसेस कितना एक्सपेंसिव है वैसे अच्छा तो दानिश आपके सवाल मतलब काफ़ी सारे हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं सबको जहन में रख सकूंगा या नहीं लेकिन मैं कुछ रिफ्रेस कर देता हूं आप ये कह रहे थे पहले तो कि भाई ये मैक्सवेल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं तो मैक्सुअल इक्वेशन बेसिकली क्या करती है वो ये बताती है कि मैक्सवेल से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक चीज थी कैपेसिटर जो फेरेडे ने यानी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया इसी तरह से एक चीज थी इंडक्टर जिसे कहते हैं यानी हेनरी फोर्ड ने उसे डिस्क्राइब किया तो वो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में लेकिन ये दोनों चीज़ें स्टैटिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करती हैं जो मैक्सुअल इक्वेशन है वो डिस्क्राइब करती है कि अगर एक चीज मूव हो या एक चीज़ चेंज हो तो फिर दूसरी पे क्या असर होगा तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल या वो जो इक्वेशन है डिस्क्राइब करती हैं वो इक्वेशन है मैथ में है लेकिन वो डिस्क्राइब सिर्फ ये करती हैं कि अगर किसी जगह पे किसी वजह से अगर एक चेंजिंग करंट है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे के तौर पर अपने आप ही एक चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगा और अगर किसी वजह से कहीं पे एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपने आप ही एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करा देगा तो ये जो इनका चेंज है ये मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब करती हैं और वो जो चेंज है आप उसका उसको सॉल्व करना या ये वो कैसे है कि भी देखें कि एक आपकी चिप लगी हुई है दूसरी चिप लगी हुई है इस चिप ने कोई इंफॉर्मेशन उसकी तरफ भेजनी है वो कैसे जाएगी वो कनेक्ट है वो सिर्फ फिजिकल मीडिया है वो चाहे कापर का कनेक्शन है कोई प्लास्टिक है गिलास है पॉक्सी है दाएं बाएं उनको आइसोलेट करने के लिए एक दूसरे से वो फिजिकल मीडिया है, वो उसी तरह पड़ा है तो पहले कहीं से कोई चेंज जनरेट होनी चाहिए और वो चेंज जनरेट कहाँ से होती है जिस चिप को हम कहते हैं कि जिसने मैसेज भेजना है उसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर है तो वो किसी स्विच को ट्रांसमिट करता है यानी कि वो अपने आउटपुट पे एक वोल्टेज की चेंज लाता है कि पहले स्टेबल वोल्टेज थी इधर वो जीरो थी या वन थी और उसको दूसरी तरफ मूव करता है वो जब चेंज होती है तो वो चेंज इस मीडिया के साथ किस तरह ट्रेवल करेगी कैसे मूव होगी और फिर मेरा मीडियम चेंज हो रहा है क्योंकि मेरी जो तार थी जैसे मैंने बताया वो स्ट्रेट इस चिप की उस पिन से उस दूसरी चिप की पिन तक नहीं चली गई उसने बेसिकली चिप तो उस पैकेज के अंदर बंद है अभी पैकेज के अंदर भी राउटिंग है पैकेज को जब मैंने पीसीबी बोर्ड के ऊपर डाला है तो पहले जमाने में पता नहीं आपने देखा होगा ब्रेड बोर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो चिपे होती थी तो उसकी साइड पे पिने होती थी राइट तो वो पिन थी अब जब वो पिनों की तादाद बढ़ती गई बढ़ती गई तो आप जो चिप आ रही है दस हजार अगर उसमें पिने हैं तो अगर मैं उस तरह से पिन लगाऊंगा तो वो बनेंगी नहीं तो वो पूरे के पूरे पैकेज के अराउंड हम कहते हैं सोल्डर बाल लगे होते हैं तो उस बाल की ज्योमेट्री और है राइट फिर वो आके पीसीबी पे आपने पैड लगाया हीट किया वो बॉल जो है उस पीसीबी के कापर के साथ स्टिक हो गए और फिर जैसे पीसीबी में आपने लेयर चेंज की विया आ गया फिर आपने दूसरी तरफ अगर किसी उसी बोर्ड पे चिप है तो चले उसी तरीके से मसला खत्म हो जाएगा अगर आपने दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो फिर कोई कनेक्टर लगेगा फिर केबल लगेगी या फाइबर ऑप्टिक लगेगी तो ये जो फिजिकल मीडिया जिस तरह जिस तरह से बदलते जाएंगे तो ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो उसकी मूवमेंट को बताएगी कि जैसे जैसे ये मीडिया चेंज हो रहा है उसके साथ साथ ये आपके इलेक्ट्रोल मैगनेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से डिग्रेड हो रहे हैं ठीक है उसको सॉल्व करने का जो आपका सवाल था वो जाहिर है कि ये जो मैं बता रहा था कि कैड टूल जो है राइट कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स वो सारे के सारे ये साल करते हैं कि जिसमें मैंने एनालाइज वो करना है कि ये कैसे होगा या नहीं होगा जाहिर है कुछ ना कुछ जब आप काम करते हैं आपकी अपनी एक गट फीलिंग है इंजीनियरिंग जजमेंट है वो बता रही है कि ये रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी में है सोल्यूशन या नहीं तो आप उस किस्म का सिनेरियो पहले एक बिल्ड करते हैं फिर आप उस सॉफ्टवेयर को देते हैं जो कि उसे रन करता है इस चीज को हम कहते हैं सिमुलेशन कि वो सारा फिनिना फिजिकल मॉडल करेगा थ्री डी वर्ल्ड में राइट right? के मेरे दाएं क्या है कहीं पे हवा है कहीं पे ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल है कहीं पे कॉपर मटेरियल है कहीं पे कनेक्टर आ गया उसकी शेप इस तरह से है वो सारे को मॉडल करेगा तो इसको हम कहते हैं सिमुलेशन। तो वो सिमुलेशन से एनालाइज करके इवेंचुअली उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में उसे सॉल्व किया लेकिन उसने मुझे रिस्पॉन्स उस लैंग्वेज में दिया जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जबान समझता है कि उसे वो वोल्टेज में वोल्टेज वेव फॉर्म की सूरत में दिखा दे ये जीरो वन या आपकी वेव इवेंचुअली तो वो इतनी डिग्रेड हो जाती है कि इट्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश के बी ज़ीरो क्या है वन क्या जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जब ट्रांसमीटर से एक वोल्ट का सिग्नल चलता है तो थाउजेंड मिली वोल्ट है राइट आजकल के रिसीवर ऐसे आ गए हैं कि आप उसे सिर्फ दो चार मिली वोल्ट का भी फर्क दिखा दें तो वो उसे डिटेक्ट कर लेंगे लेकिन उसमें सारे का सारा कमाल वो हम कहते हैं कि एसिक डिज़ाइनर का है और वो एसिक डिजाइनर का क्या है कि आप एक रिसीवर डिजाइन कर रहे हैं जो ये एंटीस्पेट करता है कि मेरे चैनल में लाश किस तरीके से होगा और मैं उसके अगेंस्ट गेन किस तरीके से दूं तो ओरिजिनली क्या होता है आमतौर पे इसमें चलें फंडामेंटली ये भी कह लें कि एक फिल्टर डिजाइन की क्लास होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हाई और उसमें एक होता है लो पास फिल्टर कि उस फिल्टर के अंदर अगर आप कोई सिग्नल डालें तो वो क्या करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा कोई फिल्टर होता है इसके अपोजिट कि वो हाई को पास करेगा और लो को ब्लॉक कर देगा तो लेकिन ये जो चैनल होता है हमारा इलेक्ट्रिकल का ये केबलें एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला इसका इन जनरल जो रिस्पांस है लो पास फिल्टर का रिस्पांस है कि ये लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को डिग्रेड करता जाता है तो जो रिसीवर आपने बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि आप लो फ्रीक्वेंसी को कम बढ़ावा दें और आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आप इंक्रीज करें ठीक है ना तो वो उस तरीके से जाके ये मुमकिन होता है कि हम उस सिग्नल को रिकवर कर लेते हैं। ये हो गया आपका सिमुलेशन मॉडलिंग वाला। आप और आपके दो तीन सवाल थे इस वक्त वो अब मेरे जहन में नहीं है मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा आपको कि अगर आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है इसको सिमुलेट करने के लिए तीसरा सवाल ये था कि जो डिजाइनिंग का प्रोसेस है जैसे पे लाना होगा। और ये सॉफ्टवेयर वाले जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ वाले सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो इस प्रॉमिस के साथ बेचते हैं कि भाई अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करके डिजाइन करेंगे तो आपको एक ही दफ़ा डिजाइन करने में चीज चल जाएगी होता कभी भी ऐसा नहीं है ठीक है फिर भी और भी सौ तरह के मसले आते हैं एक ये तो सिग्नल और पावर इंटेग्रिटी इज इज वेरी हार्ड फील्ड नाउ अडेज बाई द वे और आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह पे प्रोलिफरेट कर रही है मतलब हर जगह पे फैल रही है सेल फोन भी हर एक के पास है स्मार्ट वॉच भी हर एक के पास है गाड़ियों में भी सौ तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है लैपटॉप ये वो लगे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी चाहे हमारे ग्रास डोर ओपनर है प्राइस के कपड़ों पे प्राइस के टैग लगे हैं क्रेडिट कार्ड है कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ रही है और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ की वजह से सब चीज चीज़ों की स्पीड भी बढ़ रही है और उन इलेक्ट्रॉनिक्स में वो फिजिकल मीडिया पे इम्पलीमेंट होती है इवेंचुअली और ये प्रॉब्लम भी आ रहे हैं तो ये फील्ड ग्रो कर रही है इसमें बहुत सारी जॉब हैं इसमें सॉरी ट्रेन ऑफ थॉट माई रेक्ट सवाल क्या था आपका मॉडरेटर कैन यू रिमाइंड मी अगेन हाँ सॉरी सवाल था कि अभी वो कैसे तो जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बेचती है वो इस प्राम के साथ सॉफ्टवेयर बेचती है कि अगर आप उससे मॉडर क्योंकि उससे पहले क्या करते थे हार्डवेयर इंजीनियर कुछ पेपर पे आपने कैलकुलेशन लगाई ये वो अंदाजा लगाया एक दफा बनाया आया चलाया नहीं चला फिर दूसरी दफा फिर तीसरी दफा तो वो आठ दस इटरेशन हो जाती थी कि जब जाके आपका हार्डवेयर सक्सेसफुल होता था अभी ये होता है आमतौर पे कि दो से तीन इटरेशन में वो सक्सेसफुल हो जाता है उसमें ये सिमुलेशन ने बड़ा रोल प्ले किया लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसमें सारी रीजन ये नहीं है कि वो सिग्नल या पावर इंटेग्रिटी की सिमुलेशन को जैसे रिट्रेट होता है वो इस वजह से भी कि जो एक्चुअल हार्डवेयर डिजाइनर है जो डिजिटल डिजाइनर है मतलब जिसने वो वो चिपें सेलेक्ट की थी और वो फंक्शन इम्पलीमेंट किया था और उसके ऊपर कोई फर्मवेयर वाला प्रोग्राम लिखा था और कुछ और लाजे अज्यूम की थी, थी उनमें भी कुछ गलतियां हो जाती हैं राइट तो वो जो सेकंड और थर्ड रिवीजन होती है अभी शाज और नादिर ही होगा कि वो सिग्नल और पावर इंटेग्रिटी की वजह से हो कभी ना कभी हो भी जाती है उसकी वजह से भी लेकिन और भी इस तरह की चीज़ें आ जाती है या इवन आर्किटेक्चर लेवल भी कि अभी हम प्रोडक्ट बना रहे थे प्रोडक्ट डिवेल्प थी बोर्ड भी अच्छा बन गया लेकिन एकदम बिग बॉस का ऑर्डर आएगा यार हमने ये एक और फीचर भी ऐड करना है कस्टमर कह रहा है कि नहीं ये चीज़ भी हो वो पहले स्पेक में ही नहीं थी तो अभी भी कोई जब हार्डवेयर का रियल सिस्टम बन के आता है ये जो सिस्टम वाली कंपनियां हैं जो बोर्ड बनाती हैं वो तीन इकट्रेशन में हो जाता है ये जो इंटेल और ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियां हैं जो चिपें बनाती हैं इंटेल जो है वो 10 से 20 इटरेशन भी ले जाती है अपनी एक चिप को रिलीज करने में तो आपको सोचना चाहिए लेकिन सबके सब ये टूल इस्तेमाल करते हैं बिना टूल के तो ये चीजें बनाना मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि उनकी कॉम्पलेक्सिटी इतनी ज्यादा है उसकी उसमें चीजें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि कोई भी एक आदमी जो है किसी भी एक चीज को अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पावर इंटेग्रिटी की जाब दी जाए एक बोर्ड की सारी की सारी का ध्यान रखना इतना आसानी काम नहीं है तो वो चीजें इतनी ज्यादा है कि वो टूल के बगैर हो ही नहीं सकती तो सॉफ्टवेयर इज प्लेइंग बिग रोल सॉफ्टवेयर इज प्लेइंग सारी की सारी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है ये मरहूने मिन्नत है सॉफ्टवेयर की कि ये सारी चीजें डिजाइन होती हैं और बनती हैं और चलती हैं और हम ये फोन एंजॉय कर रहे हैं और लैपटॉप एंजॉय कर रहे हैं और अब तो मतलब लॉट ऑफ गाड़ियों में भी हम बेध्यानी कर लेते हैं और काफी हद तक गाड़ी अपने आप को कंट्रोल कर लेती है आईस को तो शुक्रिया सर uh, यहां पे ना मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है के सर जी साहब कहा कि ना सॉफ्टवेयर डील कर रही है इस चीजें ना

जो मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनका फोकस जो है वो एंड यूजर एप्लीकेशन होता है राइट right? आप बस आप एक ऐप लिख रहे हैं भाई पैसे पे कर दो जैसे मैं अपना रेंट पे करता हूँ जाता हूँ बैंक अकाउंट में लॉग इन करता हूँ जेल है इसको पैसे भेज दो चला गया पे पैल है तो वो आप देख रहे होते एंड यूजर की एप्लीकेशन क्या है राइट right? तो आप टोटल लूप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं इसमें क्या है कि बेसिकली अब वो यूजर वो वाला यूजर नहीं है समझें कि जिसने एक्चुअल सिस्टम इस्तेमाल करना है आप समझें कि आपका एंड यूजर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है अगर आप वो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अब आप ये नहीं है कि आप उस हार्डवेयर को इस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर रहे हैं आप ये कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को डिजाइन करने में हेल्प कर रहा है इवेंचुअली ऐसा भी होगा कि मतलब ये आई और हम इतना डेटाबेस बिल्ड कर लें मुझे नहीं पता बीस साल लगेंगे कि पचास साल लगेंगे कि जिसे हम कह सकते हैं मतलब अच्छा मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ अभी भी कुछ एग्जिस्टिंग है जिसे हम कहते हैं कि जब मैं ये चैनल डिजाइन करता हूँ तो कभी भी मेरे पास अब हम इतनी तेज रफ्तारी से डेटा मूव कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई जीरो एरर आए जब यहाँ से जीरो ट्रांसमिट हो वहां पे जाए और मैं बिलियन और बिलियन ऑफ बेट क्योंकि हंड्रेड गीगा बिट्स पर सेकेंड का मतलब है कि एक सेकेंड में मैंने हंड्रेड बिलियन बिट्स भेज दी है तो अब हम ये नहीं करते कि वो सारी की सारी बिना एरर के चली जाए हम कहते हैं अच्छा चलो कुछ में एरर आ जाए इतना एरर रेट कर दो हम कहते हैं कि मिलियन के अंदर एक बिट खराब हो गई इट्स ओके क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के लेवल पे हमने एरर करेक्टिंग कोड लिखे हुए हैं जो वो डेटा स्ट्रीम आती है उसके ऊपर आप एरर करेक्टिंग कोड के साथ चेक करते हैं आप देखते हैं कि इसमें कितनी के एर आ गई और मेरी ये अगर करेक्शन केपेबिलिटी में है तो मैं उसे करेक्ट कर दूं और वो ट्रैफिक उसी तरह से मूव करती रहे विदाउट रिट्रांसमिशन अगर उसकी एरर इतनी ज्यादा हो गई है उसकी करेक्शन केपेबिलिटी से बाहर है तो आप रिक्वेस्ट भेज देंगे दोबारा कि रिट्रांसमिटेड तो ये वो वाली थोड़ी सी डोमेन उसके करीब हो गया है कि जिसमें आप जो भी हाई लेवल एप्लीकेशन रन कर रही है उसमें सॉफ्टवेयर कैसे रोल प्ले कर रहा है लेकिन अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि एक हार्डवेयर बना हुआ है और आप ये कहें कि मेरा सॉफ्टवेयर ही उसमें से सारा कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट करके और उसको खुद ही फिक्स कर दे ऐसी सिचुएशन नहीं है और ऐसी तो मेरा ख्याल कभी भी नहीं होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेगी तो या तो किसी तरह से उसने इतने माइक्रोस्कोपिक किस्म के टूल भी बनाए हुए हैं कि वो उनको मटेरियल बदल दे खुरच दे कनेक्शन चेंज कर दे या फिर हमें बोर्ड नया बना के दूसरा लगाना पड़ेगा वो भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल करके बना सकता है मतलब पर जो फिजिकल चीज़ है वो एक फिजिकल चीज़ है मतलब उसकी मिसाल यही है कि ऊबर ये तो कर सकती है कि मुझे ही मेरे घर से उठा के सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पे पहुंचा दे लेकिन किसी ना किसी की गाड़ी चाहिए है, और जिसकी वो गाड़ी है उसकी वही गाड़ी है ठीक है अगले दिन मुझे कोई और ड्राइवर पिक कर लेगा लेकिन जिसके पास वो गाड़ी है उसने पाँचक साल चलानी है तो वो पाँचक साल वो गाड़ी वही रहेगी और अगर वो बैठ गई है तो उसे किसी ना किसी तरीके से फिक्स करानी पड़ेगी जी सर तो सर हमारे कहने का मतलब ये हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हार्डवेयर को लेकिन सर एक आर्टिकल था इंटीग्रिटी पे कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो डील कर रहे हैं या फिर कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं हार्डवेयर के लिए फॉर यूजिंग सम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स अब वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो मेंशन नहीं थी बस एक अच्छा आप उस तरह आ... की बात कर रहे हैं या फिर हम जिसे कहते हैं एक चीज होती है लॉजिक डिजाइन जिसमें हम कह सकते हैं फील्ड प्रोग्रामर गेटर अरे कि हमारे पास कुछ चिप्स ऐसी हैं जिन्हें आप अभी आपने डिजाइन किया उन्हें एक फंक्शन के लिए कन्फिगर कर लिया है आपने और वो अभी वो प्रोग्राम वो हो चुकी है वो परफॉर्म कर रही है जो भी डेटा आता है वो उसको उस तरीके से और आप फिर कुछ और एक नया उससे फंक्शन लेना चाहते हैं तो आप एक नया प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम बेसिकली होता हार्डवेयर का प्रोग्राम है लेकिन होता लिखा वो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में जाता है और वो फिर आप उसी रिकनफिगरेबल चिप के ऊपर लगा देते हैं दोबारा से तो वो चिप का जो फंक्शन जो पहले वो कर रही थी तो आप उसका फंक्शन बदल सकते हैं तो शायद आप कोई इस तरह की बात कर रही है मेरे ख्याल में कि हार्डवेयर को हम रिकनफिगर करके एक परपज लेने के बजाय उसका दूसरा कोई परपज ले ले सकते हैं तो उसको हम कहते हैं एफ चारे। चारे। अच्छा सर ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं जो उनके रिक्वयरमेंट है सिग्नल की टाइमिंग है पे उनकी पे? की और पावर मैनेजमेंट ओके तो चलें अच्छा ये मैं आपकी बात करता हूँ तो ये आप बात कर रही हैं कि अच्छा हमारे मेजर प्रोटोकॉल्स क्या हैं डेटा ट्रांसमिशन के ठीक है अगर आप ये बात करना चाह रही हैं तो इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं एक नहीं है लेकिन जो मेजर अगर मैं डेटा सेंटर की बात करता हूँ जिसमें ये कि सर्वर टू डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर या आपके फोन के साथ जो भी हमारी ये कम्युनिकेशन हो रही है ये मोस्टली सारी की सारी चली है जिसे कहते हैं हम इथरनेट प्रोटोकॉल आई ये आई ट्रिपल ई का इथरनेट प्रोटोकॉल है और ये प्रोटोकॉल कंटिन्यूस डेवलपमेंट में है सिंस नाइनटीन और हर जनरेशन के लिए नई स्पीड आ जाती है नई स्पीड आती है तो उसमें डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट आती है हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है उसमें ये होता है प्रोटोकॉल में कि अच्छा पैकेट का या फ्रेम का साइज कितना होगा कितनी बिटें हेडर लगेंगी फुटर लगेंगी क्या इन्फॉर्मेशन होगी फिजिकल लेयर तक डिफाइन होता है कि चैनल का लाश कितना होगा राइट right? बिट के लेवलिंग क्या होंगे टाइमिंग क्या होगी एनर्जी क्या होगी जो भी है लेकिन ये एक प्रोटोकॉल है फिर इसी तरह से अगर आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं जैसे मैं कह रहा था पीसीआई पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरफेस राइट एक्सप्रेस जो भी है तो वो एक प्रोटोकॉल है इसी तरह से एक डी प्रोटोकॉल है कि जो सी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है फिर एक यू प्रोटोकॉल है जो हम ये यू स्टिक इस्तेमाल करते हैं राइट right? फिर इसी तरह से ये आडियो का प्रोटोकॉल है जो हेडफोन और लगे हुए हैं ये कीबोर्ड और माउस का तो हर प्रोटोकॉल की डिफरेंट स्टैंडर्डाइज बॉडी है मतलब जो इथरनेट का प्रोटोकॉल है जैसे उसे आई ट्रिपल ई गर्न करती है यूएसबी का प्रोटोकॉल है कि यूएसबी का वर्किंग ग्रुप है जो पीसीआई का प्रोटोकॉल है उसका एक अलहदांग्रुप वर्किंग ग्रुप है डीडीआर है उसका एक अलहदा वर्किंग ग्रुप है मिपी आजकल ये जो कैमरा ये मतलब सेल फोन और गाड़ियों की वजह से कैमरा वगैरह का जो है वो मिपी अलायंस कहलाता है तो लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे डिफाइन प्रोटोकॉल और उन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोकॉल गेट डिफाइन फ्रॉम वेरी हाई लेवल जो कि एप्लीकेशन लेवल जिस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी प्रोग्राम लिखेंगे उस उस मैकेनिज्म में आपने इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करनी है एंड इट गोज डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स गोज थ्रू मिडल मतलब जैसे अगर आप इंथरनेट की बात करते हैं तो इट्स अ लेयर्ड प्रोटोकॉल राइट सो टॉप पे एप्लीकेशन लेयर आती है फिर कोई ट्रांसपोर्ट लेयर आती है फिर डेटा लिंक लेयर आती है फिर कोई फिजिकल या मैक एड्रेस लेयर है या फिजिकल लेयर है तो हर प्रोटोकॉल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं यू पिक योर पॉइजन वट एवर यू लाइक सो डेफिनेटली हर प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल में ये डिफाइन होता है कि अच्छा हाँ कि इस प्रोटोकॉल में जैसे मैं वो हंड्रेड गीगा बिट्स पर सेकेंड की मिसाल दे रहा हूँ वो ईथरनेट है जो स्विच की प्रोडक्ट है पीसीआई का अभी जेन सेवन की स्पेक्ट डेवलप हो रही है जेन सिक्स जो है वो सिक्सटी फोर गीगा बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से है लेकिन जो स्विच के लोग हैं वो पीसीआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं जेन टू की फाइव गीगा बिट्स पर सेकेंड क्योंकि वो हम किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां पे मेन एप्लीकेशन है कस्टमर का डेटा मूव करना हम पीसीआई इस्तेमाल करते हैं वहां पे मैनेजमेंट के लिए हेल्थ चेक करने के लिए स्टेटिस्टिक्स बिलिंग कितना डेटा चला गया ये वो चिपों से रजिस्टर पढ़ने के लिए तो हमें वहां पे स्पीड और परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है तो और कुछ ना कुछ मेमरी भी लगी होगी तो ज़ाहिर है डी का प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल हो रहा होगा फिर ये जो पावर के जैसे मैंने बताया इतने सारे डिफरेंट रेगुलेटर लगे होंगे उनके ऊपर मॉनिटर करने वाले भी लगे होंगे कि हमने यार टेम्परेचर कहीं ऊपर नहीं हो गया नीचे नहीं हो गया बहुत इसको शट डाउन करना है एक चीज़ ज़्यादा करंट ड्रा कर रही है ये कहीं फ्यूज ही ना हो जाए आग ही ना लग जाए इसको शट डाउन कर दो तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी लो स्पीड सिग्नलिंग होती हैं पर उनके प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं एक चीज़ कहलाती है आई टू सी इंटरफेस एक कहलाती है एस पी आई इंटरफेस तो किसी भी छोटे बॉक्स में जाएं आप अपने इस सेल फोन को देखें इसमें कम से कम दस से पंद्रह इंडस्ट्री की एसोसिएशन इन्वॉल्व होंगी टू तो डिफरेंट प्रोटोकॉल जो के इस्तेमाल हो रहे होंगे इसके अंदर और द वे ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैकेनिकल वालों की अपनी एसोसिएशन होगी राइट और, और भी कोई कंप्लाइंस हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड हैं उनकी अपनी एसोसिएशन होगी So, yeah, there are a lot of different protocols. Uh, I hope it answered. I don't same know same that well. I really understood what where you were coming from. Sir, I have a late joined late. पता नहीं आपने इसको डिस्कस किया है पहले नहीं लेकिन सवाल ये जो जैसा मुझे समझ आ रहा है कि जो आप कोड लिखते हैं वो एप्लीकेशन लेयर आप कोड है वो एप्लीकेशन लेयर पे लिखा जाता है का. पर मैं जो काम कर रहा हूं मेरा जो काम है वो फिजिकल लेयर पे है राइट right? मेरा जो काम है वो बिल्कुल फिजिकल लेयर पे है कि एक्चुअल जहां पे चीजों ने एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होना है तो जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा और या जिसने मुझे हेल्प करने के लिए सॉफ्टवेयर लिखना है उसे उसका कस्टमर जो है दैट रिजाइड इन फिजिकल लेयर तो उसको वो फिजिकल लेयर का सोचना है और जो इन जनरल कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो जो सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं वो एप्लीकेशन लेवर के लिए लिख रहे होते हैं क्योंकि उनके जो जनरल कस्टमर हैं वो ऑर्डनरी पीपल है राइट right? कि जब मैंने सेल फोन इस्तेमाल करना है तो मुझे कोई गूगल मैप मैंने इस्तेमाल करना है या मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ तो कोई मेरे पास ट्रावा की एप्लीकेशन है जो मुझे दिखा देगी कि मैंने कितना डिस्टेंस तय किया कितना हाइक में मैं ऊपर गया नीचे गया कितने स्टेप्स लिए ठीक है कोई वॉच बना रहा है तो उसके अच्छा हार्ट बीट आपकी क्या थी या ये वो तो मोस्टली और मेरा ख्याल है कि आप लोग जो कंप्यूटर साइंस के फोकस से आते हैं उनका सॉफ्टवेयर का फोकस जो है वो एंड यूजर एप्लीकेशन है लेकिन एक सॉफ्टवेयर की ये जो मार्केट है ये जैसे कैट टूल की मैं बात कर रहा हूँ ये बिफोर सी एस बिकेम मेन स्ट्रीम सारे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही होते थे जो ये प्रोग्राम भी लिखते थे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और एक्चुअली दे आई राइट लॉट ऑफ कोड माई सेल्फ कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्टम कंपनी है तो इसमें थोड़ी सी सिमुलेशन करनी होती है जब सेमाई कंडक्टर कंपनी है जैसे मैंने इंटेल में काम किया है तो वो कहते हैं कि हमारी चिप पता नहीं कितने सारे कस्टमर्स के पास जाएगी हर कस्टमर की एप्लीकेशन फर्क फर्क होगी तो जब हमें सिमुलेशन करनी है वो सारे सिनेरियो मॉडल करने हैं तो वो इतनी ज्यादा वेरिएशन होती है हर चीज में किसी ने पाँच इंच का चैनल बनाना है किसी ने बीस इंच का बनाना है किसी ने सस्ता पीसी भी मटीरियल लगाना है किसी ने महंगा लगाना है ठीक है ना कोई चीप कनेक्टर इस्तेमाल करेगा कोई अच्छे वाले कनेक्टर इस्तेमाल करेगा तो हमें इतनी सारी सिमुलेशन करनी होती है कि मुझे वो रन करने के लिए उनके रिजल्ट इकट्ठा करने के लिए उनके रिजल्ट को प्रोसेस करके और फिर प्रोडिक्शन देने के लिए और गाइडलाइन देने के लिए कि कम अज कम मिनिमम हमारा ये होता था कि एक हजार सिमुलेशन रन करनी है किसी भी एक सिनेरियो को मॉडल करने के लिए उन एक हजार सिमुलेशन के रिजल्ट को इकट्ठा करके हम फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जंप उसको इस्तेमाल करके मोन्टी कार्लो सिमुलेशन से वो फिटिंग करते हैं फिर हम प्रोडिक्ट करते हैं अच्छा कि अगर हम मिलियन सिनेरियो हो या हमने देना है कि मिलियन में से मैं एक चिप मेरी खराब हो या नहीं एक केस नहीं काम करेगा तो उसको फिट करके मॉडल आपने बताना तो उस सारे के लिए मैंने काफ़ी सारे खुद प्रोग्राम लिखे हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को ना तो लॉन्च कर किया जा सकता है इकट्ठा मतलब मैं एक हज़ार दफ़ा भी कीबोर्ड दबाता रहूं अच्छा नंबर बदलू फिर दबाऊं उसकी बजाय मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूं कि जो मेरे वेरिएबल ले और ये एक हज़ार केस क्रिएट करे और ऑटोमेटिकली लॉन्च कर दे सर्वर के ऊपर जब वो सिमुलेशन फिनिश हो जाए फिर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ जो उसमें से मेरे जो भी पैरामीटर थे जो मैं पढ़ना चाहता था उनको इकट्ठा करके वो मुझे एक सिंपल स्प्रेडशीट में दे दे या सीएसवी फाइल में दे दे ताकि मैं उस डेटे को फिर जंप में ले जाके इंपोर्ट करके मोर केसेस की जो है ना मॉडल फिट करके प्रोडिक्शन कर सकूं तो जो ये जो सॉफ्टवेयर जिसके मैं ज्यादा करीब हूं वो टाइड टू मोर हार्डवेयर इसको आप मतलब है तो प्योर सॉफ्टवेयर जो कैर टूल है ये तो दीज आर प्योर सॉफ्टवेयर बट देर इज ऑल्सो समलो और भी चीजें टाइड होती है हार्डवेयर के साथ जब आप उसे कंट्रोल करते हैं बट इट्स डोमेन दैन द मेन स्ट्रीम कंप्यूटर गारंटी यू की ये जितनी भी कंपनी है केडन्स है की साइट ए डी एस है मैंटर ग्राफिक्स है सी एस टी स्टूडियो है एनसिस है सिनापसिस है मतलब ये सारी कंपनियों में बहुत सारे प्योरली कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट काम कर रहे हैं तो यू नो ये ये एक ये है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं मेरा ख्याल है मेरी बात का जो मुद्दा है वो सिर्फ इस चीज के लिए ही आपको इंस्पायर करना है कि अगर आपको मतलब हम में से हर बंदा खैर मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बना के मुझे बचपन से एक शौक था मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा बिल्कुल भी नहीं मेरे वाले साहब मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मुझे टीका लगवाते हुए डर लगता था तो मैंने कहा मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा मरीजों को डील करूंगा अगर मुझसे खुद नहीं टीका लगवाया जाता तो मैंने तो भाग के डॉक्टरी से जान छुड़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है लेकिन आजकल आपको इतने मौाक़े अवेलेबल हैं कि आप परसों कर सकते हैं करियर उस चीज़ में जिस तरफ आपका रुझान हो तो अगर किसी को फिज़िकल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स या ये चीज़ें कैसे काम करती हैं अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो मेरी बात का मेरा ख्याल है मुद्दा ये है कि अगर मैं उनको थोड़ा सा ये इंस्पिरेशन दे सकूं कि अगर वो स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर बट आल्सो हैव अ अक फॉर दिस कैंडरियो तो देर इज आल्सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी और ये फील्ड जितनी जितनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रो कर रही है आई मीन बाई द वे सिग्नल और पावर इंटेग्रिटी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती थी मैंने एक भी कोर्स नहीं लिया मैं जॉब कर रहा हूँ इसी ऑन द जॉब मेरी सारी ट्रेनिंग है लेकिन अभी तीन चार यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी रोला और इंटर ने एक प्रोग्राम शुरू कराया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के साथ मिलकर और अभी एक सिग्नल इंटेग्रिटी का गुरु जो है वो कोलोराडो में पढ़ा रहा है रिटायर होने के बाद तो उस वजह से एक दो और यूनिवर्सिटी होंगी तो मतलब ये बड़ा निश फील्ड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की प्लोफेसन की वजह से और जो हमारी सिग्नलिंग की स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि ये प्रॉब्लम पहले वो सारे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में समझते थे और कोई उनको तोज्जो नहीं देता था दे हैव बिकम इम्पॉर्टेंट तो रिलेटिवली स्पीकिंग इसमें कहीं भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब इतनी नहीं होंगी जो कि कंप्यूटर साइंस की मतलब आप सोचें कि कंप्यूटर साइंस इज जस्ट यू नो 90 परसेंट ऑफ द जॉब आर ऑफ़ द फ्यूचर आर इन कंप्यूटर साइंस राइट तो ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन ये इस निश फील्ड में किसी भी जगह पे जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मतलब दो तीन परसेंट या चार परसेंट लोग सिग्नल पावर इंटेग्रिटी में होंगे लेकिन अगले दस साल में या पंद्रह साल में मेरा ख्याल है कि मैं इसमें बहुत ग्रोथ देखता हूँ तो अगर किसी को थोड़ा सा भी शगफ हो इस इस तरह की चीजों से और, और टिंकर करने से तो एक्साइटिंग फील्ड इट्स एन एक्साइटिंग फील्ड uh, जी सर आप पूछ सकते हैं yes thank you so much uh, so aslam uh, sir um, i had a question uh, i am from software background pure computer science background i have just uh, done my bs in software engineering so we degree can there shift electronics related courses but first one was basic electronics and second one was digital logic design dld सो uh, so, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं होता आई जस्ट हैड दिस वन क्वेश्चन कि इफ़ आई वॉन्ट टू गेट इन टू ए डब्ल्यू एस हाउ मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डू आई नीड क्या मुझे अपनी uh, इसके थ्योरी को ओपन करके इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए पढ़ना और ये तमाम चीज़ें मुझे लेनी चाहिए ताकि मैं ए डब्ल्यू एस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकूँ या फिर हाउ मच ऑफ दिस नॉलेज डू आई रिक्वायर यू don't रिक्वायर एनी ऑफ दिस नॉलेज ठीक है ए डब्बू एस की नाइनटी फाइव परसेंट जॉब जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है और वो जो यही डेटा सेंटर है हमारा उसके ऊपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हैं कस्टमर के लिए एप्लीकेशन बनाने की हैं जो भी उसके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं एफिशिएंसीज इंप्रूव करनी है वो उसकी हैं जो हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला पोर्शन है मेरा ख्याल है मैं 5 भी ही कर ए डब्ल्यू एस के लिए तो हार्डवेयर इज ए वेरी वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करें तो उसके थ्रू तो हम लोग जा सकें इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं हाँ तो इंटरव्यू में भी ये नहीं चाहिए देखें जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं हाउ शुड आई सेट बट दे उनके लिए हार्डवेयर जो है समझ लें भी एक इलेक्ट्रॉन ने इधर से उधर जाना है वट डू आई केयर अल्लाह में हम पुछा देगा ठीक है ना तो कंप्यूटर साइंस का बंदे को उसका मसला नहीं है वो तो जैसे ये अज्यूम करता है कि मैं ये कहूँ तो ये हो जाए और ये कहूँ तो ये हो जाए और वो ये भी अज्यूम करता है चलो मैं गलती भी कह दूँ तो कोई मसला नहीं है दोबारा मैं नया पैच रिलीज कर दूंगा राइट तो कंप्यूटर साइंस का फील्ड इज़ अ वेरी हाई लेवल एप्लीकेशन फील्ड जो उसमें वो फॉल्ट टॉलरेंसी भी बहुत है और ये चीज़ें कि आप मतलब जितने मर्ज़ी रिलीज़ कर ले उसको चेंज करना जो हार्डवेयर का फील्ड है वो उसमें यू हैव टू केयर अबाउट एवरी और उसमें फिर जो गलती का जो समझें कि खुम है या कीमत अदा करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है मतलब अगर आप कोई चीज मिस कर दें और वो मिस हो गई आपसे भी डिजाइन में भी बन के आ गई सारे आपने टेस्ट लगा दिए पास हो गई जो आपके आज के टेस्ट थे आपने टेस्ट कर लिए फील्ड में डिप्लॉय हो गया लेकिन अब नई एक कोई एप्लीकेशन आई जिसने वो फॉल्ट किसी तरीके से ट्रिगर कर दिया आप जब अगर डेटा सेंटर शट होना शुरू होगा आपकी कस्टमर का अगर मतलब उनकी चीजें रुक गई अभी किसी बैंक का सॉफ्टवेयर चल रहा था किसी ब्रोकरेज हाउस का सॉफ्टवेयर चल रहा था और लोग ट्रेड कर रहे थे और आपकी ट्रेड रुक गई तो मतलब फॉरगेट अबाउट इट कि वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएंगे ठीक है ना देन ए की बजाय वो गूगल क्लाउड पे चले जाएंगे या माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे चले जाएंगे या किसी और कंपनी की सर्विसेज ले लेंगे तो हार्डवेयर के अंदर उस हिसाब में जो फॉरगिवनेस है वो इतनी इजी नहीं है तो इसलिए दैट्स अ टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन दैट्स अ टोटली डिफरेंट सो इफ यू वॉन्ट इट वर्क फॉर ए एंड फॉर सॉफ्टवेयर आई मीन यू नो मेजोरिटी ऑफ जॉब एन ए डब्लू एस आर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड यू डोंट नीड टू नो एनी ऑफ दिस थिंग यू डोंट नीड टू नो एनी ऑफ दिस थिंग अगर जिनको ये जानना भी है तो उनको हम कहेंगे फर्मवेयर इंजीनियर हैं जो फर्मवेयर के साथ यानी कि रिलेट करते हैं जो कि बेसिकली वो वाला सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो इस हार्डवेयर की हेल्थ को मोनिटर करता है देखता रहता है स्टेटिस्टिक्स देखता है कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ कहीं पे सिस्टम डाउन हुआ कहीं अलार्म आ गया सौ तरह की हमने टेलीमेट्री की चीजें लगाई होती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए समझ लें उनके लिए कुछ ना कुछ ये हेल्पफुल हो सकती है इवन दो के मतलब मैं जिस फॉर्मेर इंजीनियर के साथ फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ तो हम भी हमें फ्रीक्वेंसी मैच करना एक दूसरे की बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी समझ जाते हैं बट काफ़ी फर्क होता है लेकिन जो एप्लीकेशन लेयर है इस टोटली totally. उसके लिए हार्डवेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है राइट right? एप्लीकेशन में ये होता है आप कहते हैं अच्छा जी बटन खुल जाओ दरवाज़ा खुल जाओ या बंद हो जाओ और वो हो जाता है आप ये नहीं करते कि अच्छा किसी तरीके से स्प्रिंग फेल हो गया और अब ये दरवाज़ा तो मैं तो कार लेके जा रहा था अंदर गिराज में और ढम से मेरे ऊपर आ गिरा राइट right? और मेरी कार गई तो आ, जो सॉफ्टवेयर वाला लिखने वाला है वो उसको नहीं करता ये हार्डवेयर वाले हैं जिन्होंने उसका ख्याल रखना थैंक यू सो मच सर अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क मेरे सर की इसकी के इसके बाद रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो ये कि जो हार्डवेयर रिलेटेड जो लोग हैं क्या उनकी जॉब ज्यादा सिक्योर नहीं है बजाय उनके जो सॉफ्टवेयर इतने हाई लेवल जॉब सिक्योरिटी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर मुझे ये नहीं पता कि कल को मैं उठूंगा भी कि नहीं बैठ से ठीक है तो जॉब सिक्योरिटी जो है वो किसी भी चीज की आप कुछ नहीं कह सकते ये तो मीन अगर आपने इवन करियर भी चूज करना है तो आज एक चीज हार्ट होती है पांच साल बाद कुछ और चीज हार्ट हो जाती है जब मैं पढ़ने आया था तो उस वक्त मेरा शौक़ था कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग में करनी है पढ़ना है और मैंने उसमें जॉब करनी है और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो डाट काम का बस्ट हुआ हुआ था सारे लोग कह रहे हैं तो पागल हुआ है तो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ने आया हुआ है कोई जॉब नहीं है कंप्यूटर नेटवर्किंग में बंदे के पुत्र बनो और वी पढ़ना शुरू कर दो ठीक है ना तो बट जब हम वी करके ग्रेजुएट हो गया है उस वक्त सारे लोग कहते हैं दिस इज़ वेयर द बिग बक्स आर जब आप जॉब लेने आए तो पता चले उसकी जॉब नहीं है तो उस सवाल का तो कोई जवाब नहीं है चले सर थैंक यू इट सीम्स के कोई और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक्स अलॉर्ट टू स्टूडेंट्स Uh, feel free to connect with sir Riyaz Nasir on LinkedIn and keep getting guidance from him. So, over to the host, okay, sir. Thank you so much. Uh, sharing your knowledge and expertise with us or coffee interactive, interactive or coffee informative webinar. So, once again, thank you so much. और uh, सबका ज्वाइन करने के लिए एवरी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार फिर हम एक नेक्स्ट वेबिनार में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे सो so, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर थैंक यू थैंक यू बाय सर अल्लाह सर